रामो अरिहंताणम रामो सिद्धाणम रामो आयरियाणम रामो वज्जायाणम रामो लोए सप्साहुणम दोष्टांत कर्मों से रहित जो ज्ञान विग्रह शुद्ध है वह नित्य अनुपम आत्मा सौद्रव्य जिन वरुण ने कहा कर्म ज्ञान वही है क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं बस इसलिए ही कर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रमण कहे कर्म से अबद्ध जी यह कथन है व्यवहार का पर कर्म से ना बद्ध जी यह कथन है परमार्थ का यह कथन है परमार्थ का। जय जिनेंद्र। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मंगलमय मंगलाचरण के लिए। इस गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय कमलचंद जी पड़ावा के लिए। भाई साहब से निवेदन है कृपया मंचासीन हो, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। तिलक एवं माल्यार्पण के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई चेतन संयम साह इनसे निवेदन है कृपया तिलक एवं माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। गोष्ठी प्रारंभ हो, हालांकि सभी को सामान्य नियम तो सभी को विदित है, अंतिम गोष्ठी है, परंतु फिर भी एक बार हम बता देते हैं क्या है। जो वक्ता बोलने वाले हैं उन सभी को प्रथम पंक्ति में आकर बैठना है। आपके पास 5 मिनट का समय है, 4 मिनट में आपको विषय समाप्त करना है, 6 मिनट का समय है, 5 मिनट में विषय समाप्त करना है और 1 मिनट में आपको अपने पूरे विषय को समेट कर पूरा सारांश प्रस्तुत करना है। मुख्य बिंदु का आपको सबको पता ही है, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। मुख्य बिंदु के बारे में मैंने बता दिया है, इसमें पूरे ग्रंथ का सार लेकर ये गोष्ठी होगी तो आपको मुख्य बिंदु बिल्कुल अनिवार्य रूप से निकालना ही है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। सभी वक्ताओं से निवेदन है कृपया प्रथम पंक्ति में आकर बैठ जाएं और प्रथम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई पीयूष जैन शास्त्री प्रथम वर्ष जिनका विषय है रत्नकंड आचरण से कर्मनाश और इसके बाद तैयार रहेंगे संयम पुजारी जिनका विषय है जीवकृत संक्षिप्त का विस्तार। भाई पीयूष जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की गोष्ठी का विषय है जीव जीता और कर्म हारा, उसका उसमें से मेरा केंद्र बिंदु है रत्नकरण आचरण से कर्मनाश। सर्वप्रथम चारित्रम खलु धम्मो, यहाँ पे चारित्र अर्थार्थ आचरण लेना है और धम्मो अर्थार्थ मोक्ष लेना है, अर्थात आचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा सामान्यतः कथन है। तो मोक्ष की प्राप्ति आचरण से कैसे होती है इस विषय पर आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है कर्मों के क्षय होने पर। कर्मों का क्षय कहाँ पर होता है, कर्मों का क्षय होता है 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में। 14वें गुणस्थान में जाने के लिए मुनि बनना आवश्यक है और मुनि बनने के लिए मुनि बनने का आरंभ होता है 5वें 6वें 7वें गुणस्थान से। अब 6वें 7वें गुणस्थान में जाना है तो सामान्यतः अपेक्षा से देखें तो 5वें गुणस्थान में जो आचरण होता है उसको निश्चय गर्भित आचरण से सम्यक प्रकार से पालन होगा तभी वो 6वें गुणस्थान में जाने लायक होगा। अर्थात जब अनुव्रत निश्चय रूप से पालेंगे तब जाके वो महाव्रत का रूप लेंगे। अब हम बात करने जाते हैं कि वो आचरण कितने प्रकार का है। तो श्रावक का जो वो आचरण है वो रत्नकरण श्रावकाचार में 3 प्रकार से बताया गया, अनुव्रत गुणव्रत तथा शिक्षा व्रत। सबसे पहले अनुव्रत की बात करते हैं, पाप का स्थूल त्याग वो अनुव्रत है। उससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पाप कैसे अज्ञानवश गर्भित हो रहा है। सबसे पहले हिंसा देखते हैं, त्रियंजादी को मजबूत चीज से बांधना तथा
तथा मानना तथा मनुष्य तथा तिरंज आदि को मारना सताना तथा दिल दुखाना तथा हिंसात्मक गेम्स खेलना जैसे पबजी आदि ये सब खेलना, इस रूप में हिंसा हमारे दैनिक जीवन में गर्भित हो रही है। इसके बाद जूट देखें तो किसी की अन्य की कृति में अपना नाम लिख देना या कुछ और लिखकर मतलब अपनी बात को सहमत कराने के लिए कह देना कि यह बात सर्वज्ञ ने कही है तथा किसी की गुप्त बातों को देखकर ये कह दूसरों के सामने प्रकट कर देना इत्यादि रूप से झूठ भी हमारे जीवन में गर्भित हो ही रहा है। इसके बाद चोरी, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को चोरी कहते हैं, तो चोरी तो नहीं कर रहा पर चोरी करने की प्रेरणा देना वह भी चोरी है। तथा पैसों के लोभ में चोरी की हुई वस्तु को कम वैल्यू में खरीदना वो भी चोरी है। इसके बाद कुशील, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना तथा किसी और को दिखाना ये कुशील है। तथा काम सेवन बातें करना एवं उसमें आसक्ति रखना ये भी कुशील है। इसके बाद परिग्रह, परिग्रह से मात्र हमको बाह्य आचरण नहीं लेना है, यहाँ पे परिग्रह से हमको लेना है कि कम पैसे देके अधिक कार्य करवाना ये परिग्रह है। तथा जितना जितनी वस्तु है वर्तमान भव में प्राप्त है उसमें संतोष नहीं होना ये भी परिग्रह है, ये भी हमारे दैनिक जीवन में गर्भित हो रहा है। तो इस प्रकार पांचों पाप हमारे दैनिक जीवन में गर्भित हो रहे हैं। तो ये पांचों पाप होते किसके निमित्त से हैं? ये पांचों पाप तीव्र कषाय के निमित्त से होते हैं, और जब तीव्र कषाय होगी तो कर्म बंद होगा, और जब कर्म बंद होगा तो मोक्ष में बाधक होगा। जबकि हमको मोक्ष में जाना है तो आचार्य श्री इसके लिए अनुव्रत नामक वरदान देते हैं कि तुम अनुव्रत का पालन करो इनका, और ये जो गलतियाँ हो रही है इनको दूर करो। तो हिंसा को दूर करने के लिए अहिंसा अनुव्रत, झूठ को दूर करने के लिए सत्यानुव्रत, ऐसे सबके लिए एक एक अनुव्रत उन्होंने दिया है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि अनुव्रत से हमारा परंपरा से कर्म का नाश होता है। इसके बाद गुणव्रत, अभी गुणव्रत होता क्या है, जो अनुव्रतों में गुण उत्पन्न करता है उसे गुणव्रत कहते हैं। तो यह गुणव्रत तीन प्रकार का, दिग्व्रत, दिग्व्रत अनैच दंड व्रत तथा भोगो भोग परिमाण व्रत। तो जो दिग्व्रत है ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो प्रतिदिन जीव के साथ बन रहे हैं पर जीव उसका करता नहीं है। जैसे संसार बहुत बड़ा है इसके अंदर प्रतिदिन गलत कार्य होना, हिंसात्मक कार्य होना तथा अनेक बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो जीव को नहीं पता परंतु उसका आश्रय जीव को निरंतर हो रहा है, तो उससे बचे कैसे? एक एक का त्याग करना तो पॉसिबल है नहीं। तो आचार्य कहते हैं दिग्व्रत नाम का एक व्रत है उसका पालन करो। उसमें क्या होता है, दसों दिशाओं की मर्यादा करनी है, प्रसिद्ध स्थानों के नाम से दसों दिशाओं की मर्यादा करनी है। तो जितनी हमने मर्यादा की उसके अंदर का पाप तो लगेगा पर उसके बाहर का जितना भी पाप होगा वो हमको नहीं लगेगा। एक तरीके से हम महाव्रती हो जाएंगे क्योंकि गोले के अंदर का पाप लग रहा है पर उसके बाहर मतलब मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप भी हमको नहीं लगता। इस प्रकार दिग्व्रत साक्षात कर्म नाश का भी कारण है। इसके बाद अनैच दंड व्रत, कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अप्रयोजन की होती है पर फिर भी हमारे दैनिक जीवन में होती है और उससे कर्म बंद होता है, जैसे तिरंचा आदि को बेचने आदि का उपदेश देना तथा चलते चलते पत्थर पर लात मार देना, इस प्रकार की जो अनेक क्रियाएं होती है, राग द्वेष के पोषक ग्रंथ पढ़ना, मिथ्या तो पोषक ग्रंथ पढ़ना, काम उत्तेजक ग्रंथ पढ़ना इत्यादि जो बेकार की फिजूल की चीज़ें हैं इन सबको पढ़ने से अनैच दंड होता है और ये हमारे अर्थ रूप क्रिया को करने में अर्थात धर्म रूप क्रिया को करने में बाधक बनते हैं। तो धर्म रूप क्रिया को करने के लिए जब ये बाधक बनते हैं तो हमारे आचार्य श्री ने अनैच दंड त्याग व्रत नाम का एक व्रत बनाया है जिनसे इन सब पे अंकुश लगता है। इसके बाद भोगो भोग परिमाण व्रत, तो परिग्रह परिमाण व्रत में तो हमने परिग्रह की मर्यादा की थी, उस परिग्रह में भी अगर कोई जीव राग को बढ़ाता है, उसमें आसक्ति करता है, पूर्व भोगों को स्मरण करता है या फिर आगे मेरे को अच्छे भोग मिले इस प्रकार अपनी राग की वृद्धि करता जाता है, तो आचार्य श्री भोगो भोग परिमाण के व्रत का उपदेश देते हैं कि भोगो भोग परिमाण व्रत इसको पालन करने से आपको पता चलेगा कि भोग और उपभोग में किस प्राकार परिमाण रखना है, किस प्रकार अपने राग द्वेष को कम करना है। तो इससे सिद्ध होता है कि गुण व्रत साक्षात तथा परंपरा से कर्म नाश का कारण बनता है। इसके बाद शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत होते हैं, शिक्षा व्रत ये शिक्षा देते हैं, किस चीज़ की शिक्षा देते हैं, ये मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो शिक्षा व्रत चार प्रकार के होते हैं, सबसे पहले देशावकाशिक, जैसे दिग्व्रत में हमने एक सीमा निश्चित की थी उसी प्रकार देशावकाशिक में जो हमने सीमा निश्चित की थी काल की मर्यादा को लेकर उसको और सीमित करना है। तो उसको जब हम और सीमित करेंगे तो भार का कर्म बंद नहीं होगा, जब भार का कर्म बंद नहीं होगा तो ये भी साक्षात कर्म नाश का कारण बनता है। इसके बाद सामयिक, तो सामयिक में होता क्या है, सामयिक में ये जीव आत्मा के सन्मुख आता है, आत्मा में समाता है। तो जब ये जीव आत्मा के सन्मुख आएगा, आत्मा में समाएगा तो इसके कर्मनाश होंगे ही होंगे क्योंकि मंद कषाय होगी। इसके बाद प्रोस्त दो उपवास,
प्रोष दो उपवास में उपवास की मुख्यता रहती है, उपवास के एक दिन पहले एक आसन, उपवास के एक दिन बाद एक आसन। तो इतना समय बचा के करना क्या है? इतना समय बचा के कहीं खेल कूद नहीं करना है या टीवी आदि नहीं देखनी है, इतना समय बचा के उपवास करना है। किसके समीप उपवास करना है? शास्त्रों के समीप, आत्मा के समीप तथा जिनेन्द्र भगवान के समीप। जब हम इन सब के समीप वास करेंगे तो हमारी कषाय मंद होगी, और जब कषाय मंद होगी तो हम धर्म की ओर अग्रसर होंगे। इसके बाद व्यवृत्ति। व्यवृत्ति को अगर सामान्य लोक में देखें तो अगर हम किसी को आहार देते हैं या जिनेन्द्र भगवान की सेवा करते हैं या शास्त्र आदि को सही करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे विकल्प शुरू होते हैं ये सब कार्य करने के लिए, तब से हमें हमारे परिणाम मंद रहते हैं, और ये कार्य होने तक मंद ही रहते हैं तथा कार्य होने के कुछ समय बाद तक भी मंद रहते हैं। अतः सिद्ध होता है कि व्यवृत्ति करने से भी हमारे कर्म, हमारी तीव्र कषाय मंद होती है। तो सिद्ध होता है कि शिक्षा व्रत से भी साक्षात तथा परंपरा से कर्मनाश होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 12 व्रत श्रावक के, वो मात्र दिखाने के लिए नहीं है, वो दिखावट ही नहीं है कि हमने दिखा दिया कि हम श्रावक है तो ये 12 व्रत होना जरूरी है। ये इसलिए है क्योंकि इससे परंपरा तथा साक्षात से कर्मनाश होता है, इसलिए इस सबका हमको पालन करना चाहिए तथा साक्षात तथा परंपरा से कर्मनाश करें, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस गोष्ठी के निर्णायक महोदय आदरणीय अच्युत कांत जी भाई साहब हमारे समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें एवं उनके तिलक एवं माल्यार्पण के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं भाई दीपम जैन और भाई अभय जैन को। आदरणीय भाई साहब का तिलक एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब आगामी विषय प्रस्तुत करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय भाई साहब का। आगामी विषय प्रस्तुत करने के लिए भाई संयम पुजारी जिनका विषय है जीवकृत संक्षेप का विस्तार, और इसके तत्पश्चात तैयार रहें गायक जैन शास्त्री प्रथम वर्ष क्रमाक्रम बंद पर्याय नाशक क्रमबद्ध पर्याय, इस विषय पर भाई गायक अभी संयम पुजारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा साधर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य है जीवकृत संक्षेप का विस्तार। जैन आगम का एक मुख्य प्रतिपादन है तो वह कर्णानियोग, और कर्णानियोग में भी यदि मुख्य प्रतिपादन किया गया है तो वह है कर्म व्यवस्था का। ऐसे ही कर्णानियोग का एक मुख्य विषय है जिसे हम संक्षेप ओग जीव समास अथवा कहें तो गुणस्थान के नाम से जानते हैं। आज हम उसी विषय के संदर्भ में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत विषय को समझने के लिए तीन बिंदुओं की सहायता लूंगा मैं। प्रथम तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और वास्तविकता क्या है। इस प्रकार प्रथम पक्ष में रहेगा कि जो मात्र कर्म को ही सर्व गुणस्थानों का कर्ता मानता है कि कर्म द्वारा ही समस्त गुणस्थान होते हैं। द्वितीय पक्ष में जो मात्र ऐसा मानता है कि जो भी गुणस्थान हो रहे हैं वे मात्र जीव की अपेक्षा से ही हो रहे हैं। और तृतीय में वास्तविकता क्या है। सर्वप्रथम पक्ष पूर्व पक्ष रखते हुए अथवा प्रथम पक्ष रखते हुए वह कर्म मात्र को मानने वाला कहता है कि कर्म की जब परिभाषा, गुणस्थान की जब परिभाषा कही तो मोह और योग के द्वारा जीव के तारतम्य रूप अवस्था, और फिर वह उसको समझाता है तो कहता है कि मोह और योग जीव के सदाकाल रहने वाले हैं नहीं, और जो जीव के सदाकाल ना रहे वह उसका स्वभाव नहीं हो सकता। तो स्वभाव नहीं हो सकता तो अर्थात वो उसका भिन्न द्रव्य है, तो वह मोह और योग को भिन्न द्रव्य कहकर यह कहता है कि गुणस्थान तो पर द्रव्य के द्वारा ही होते हैं। फिर वह एक एक गुणस्थानों से अपना विषय को स्पष्ट करता है, कहता है कि प्रथम गुणस्थान में कोई अभव्य जीव है तो उसके ऐसे कर्मों का तीव्र उदय है कि जिसके कारण वो आगे के गुणस्थानों में जा ही नहीं सकता। फिर वह आगे कहता है कि द्वितीय गुणस्थान में आने का कारण क्या है कि अनंत अनुबंधी कषाय चतुष्क में से किसी एक कषाय का उदय आना वह ही है। फिर आगे तृतीय गुणस्थान में वह कहता है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आना वह तृतीय गुणस्थान में आने का कारण है। ऐसे ही चतुर्थ गुणस्थान में वह छायव समिक सम्यक दृष्टि का कहता है कि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाने के कारण वह जीव छायव समिक बन जाता है। चौथे पांचवें गुणस्थान में द्रव्यलिंगी मुनि जिनके बाह्य में जरा सी भी शिथिलता नहीं है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, फिर भी उनको चौथा और पांचवा गुणस्थान क्यों है, तो वह कहता है क्योंकि अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय है इसलिए। फिर वह आगे कहता है
कि 12वें गुण स्थान में पूर्ण वितरकता तो हो गई, फिर भी सर्वज्ञता क्यों नहीं हुई? तो वह उसका भी आंसर देता है और कहता है क्योंकि अभी 3 कर्म बाकी हैं, इसलिए सर्वज्ञता नहीं हुई। ऐसे ही फिर वो कहता है कि चलो वितरकता सर्वज्ञता हो गई, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो फिर वह यह कहता है क्योंकि अभी 8 कर्मों का पूर्ण नाश नहीं हुआ है, बाकी के 4 अघाती कर्म बाकी हैं, इस कारण उसके सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार वह अपना पक्ष रखते हुए मात्र कर्मों को ही सापेक्ष करता है और कर्मों को ही मानता है कि गुणस्थान समस्त कर्म के द्वारा ही होते हैं। हमारा द्वितीय पक्ष है जो जीव कृत मानते हैं। तो सर्वप्रथम वह गुणस्थान की परिभाषा में ही कहते हैं कि श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप जो अवस्था है वह गुणस्थान है। आपके मोह और योग तो निमित्त है और निमित्त कोई वास्तविक कर्ता होता नहीं है, इसलिए सिर्फ श्रद्धा और चारित्र गुण की जो पर्याय है वही ही गुणस्थान है। फिर वह पहले गुणस्थान में जो अभव्य का उदाहरण कहा था, तो उसके लिए वह कहता है कि जीव के 5 भाव कहे हैं, उसमें जो पंचम भाव है वह कर्म निरपेक्ष भाव है। और कर्म निरपेक्ष भाव मतलब वह पूर्णता जीव का भाव है, तो उसमें जो अभव्यत्व है वह उसका भेद है, इस कारण वह अभव्य जीव सदा प्रथम गुणस्थान में रहने वाला है। फिर आगे के गुणस्थान में जब वह घटाने जाता है तो वह इस प्रकार से जीव इतना ही उदाहरण देता है कि श्रद्धा गुण पूर्ण निर्मल होना अथवा श्रद्धा गुण का मिथ्या रूप से परिणमन होना, इसके कारण ही आगे के गुणस्थान बढ़ते हैं और घटते हैं। और आगे देखें तो चारित्र मोहिनी कर्म में ये जो आप कह रहे हो, तो वहां पे जो चारित्र गुण है उसकी वृद्धि होना, वितरकता की वृद्धि होना अथवा वितरकता में मंदता आना, इसके कारण आगे के गुणस्थान बढ़ते और घटते हैं। इस कारण वह जीव ऐसा कहता है कि ये जो समस्त गुणस्थान हो रहे हैं वे जीव के द्वारा ही कहे गए हैं और जीव के द्वारा ही होते हैं। अब हमारा तृतीय बिंदु है और मुख्य बिंदु है कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो ब्रह्मचारी यशपाल जी ने गुणस्थान विवेचन में प्रश्नोत्तरी विभाग में एक प्रश्न उपस्थित किया है, वह अलग संदर्भ में है परंतु वह यहाँ पे हो सकता है। वह कैसा है कि कर्म के क्षय उपशम और क्षयोपशम आदि के निमित्त से शुद्धोपयोग होता है अथवा शुद्धोपयोग होने पर कर्म में उपशम क्षय क्षयोपशम आदि होते हैं। तो उसी प्रकार का हम यह प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं कि मात्र जीव के करने से ही गुणस्थान होते हैं कि अथवा मात्र कर्म के करने से ही गुणस्थान होते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि दोनों की अपेक्षाएं अपनी अपनी जगहें रखती हैं। यदि हम उपादान कारण की अपेक्षा से देखें तो जो जीव है वह उसमें ही यह समस्त अवस्थाएं देखने में आती हैं और सिद्ध दशा को जो प्राप्त होता है तो वह जीव ही होता है। इसलिए यदि उपादान की अपेक्षा से देखा जाए तो वास्तव में यह जीव कृत है, और यदि निमित्त की अपेक्षा से देखा जाए, यदि निमित्त कारण को मुख्य किया जाए तो कर्मों का भी इसमें बिल्कुल भाग किया गया है। इस प्रकार ना मात्र जीव, कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि जीव की विशुद्धि तो अनंत गुणी हो जाए और कर्म बोले कि नहीं हम तो खिसक ही नहीं रहे, वहीं के वहीं बैठे हैं। इसलिए जब जब जीव के जैसे परिणाम होंगे तत् समय उनका कर्मों का भी स्वतः उस रूप ही परिणमन होना होगा और होगा ही। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे कि समय सार के कर्ता कर्म अधिकार के अंतिम अमृतचंद आचार्य वचन रखते हैं कि इति जीवा जीवो कर्ति कर्म वेश विमुक्तौ निष्क्रांतौ, कि यह जो जीव कर्ता कर्म को अपना कर्ता मान रहा था उस पर करारी चोट डालने के लिए यह समस्त जीवकृत परिणाम यहाँ पर विषय में मुख्य तौर से रखा गया है, अन्य कोई अपेक्षा नहीं है। और यह जीवकृत इसलिए ही कहा गया है कि मात्र कर्मों को जो कर्ता माने वह कर्मों को कर्ता ना मानकर जो मुख्य विवक्षा है उसको समझे। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेन्द्र। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई संयम पुजारी के लिए। अब आए भाई गायक जन और इसके बाद तैयार रहे आशुतोष जैन शास्त्री प्रथम वर्ष सर्वार सिद्धि प्रदायक जीव तत्व जिनका विषय है। अब आए भाई गायक जैन। हेलो। क्रम नियमित क्रम बद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यात्म की गंगा में स्नान करने वाले सभी तत्व प्रेमी मुमुक्षुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस अध्यात्म रस से ओतप्रोत ज्ञानमय ज्ञान गोष्ठी जीव जीता कर्म हारा में मेरा प्रतिपाद्र केंद्र बिंदु है क्रमाक्रम बंध पर्याय नाशक क्रमबद्ध पर्याय। समय का उल्लंघन ना करते हुए मैं इस जटिल विषय को आप तक सरलता से 4 बिंदुओं के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहला, क्रमबद्ध पर्याय का सामान्य स्वरूप।
दूसरा जैन धर्म का आधारभूत स्तंभ क्रमबद्ध पर्याय, तीसरा संसार विनाशक क्रमबद्ध पर्याय, चौथा और अंतिम क्रमबद्ध पर्याय से जीव के जीतने एवं कर्म के हारने की सिद्धि। अधिक औपचारिकता ना निभाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले बिंदु की ओर। क्या है यह क्रमबद्ध पर्याय, क्या ताकत है इस एक छोटे से शब्द में जिसने पूरे जैन समाज में खलबली मचा के रख दी। तो जानते हैं इस रहस्यपूर्ण शब्द क्रमबद्ध पर्याय का सामान्य अर्थ। क्रमबद्ध पर्याय शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, क्रम, धन, बद्ध, धन पर्याय, अर्थात निश्चित क्रम में बंधी हुई पर्यायों को ही क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। अधिक विस्तार करें तो जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उस निमित्त व उस पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं, यह नियम है और इस नियम को ही क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने अपने ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा क्रमांक 321 एवं 322 में कहा है, वे उसमें लिखते हैं कि जमजस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी लादम जणेणेदम जम्मम वाह विमरणम वा तम तस्य तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी कोशक कदिवारे दुम निंदो वा तह जणिंदो वा। इस क्रमबद्ध पर्याय की अद्भुत व्यवस्था को रागियों में श्रेष्ठ इंद्र और वीतरागियों में श्रेष्ठ जिनेंद्र कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार हमने क्रमबद्ध पर्याय का सामान्य स्वरूप देखा। ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा मात्र एक आचार्य द्वारा एक ही ग्रंथ में की गई है, अपितु क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा अनेकों आचार्यों द्वारा अनेकों ग्रंथ में अनेकों प्रकार से की गई है। समयाभाव के कारण सभी प्रमाणों को प्रस्तुत करना अशक्य है। विशेष जानकारी के लिए आदरणीय छोटे दादा द्वारा रचित क्रमबद्ध पर्याय का अध्ययन करें। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की ओर, जैन धर्म का आधारभूत स्तंभ क्रमबद्ध पर्याय। क्या आप सभी को पता है जैनियों के इतने बड़े बड़े मंदिर होने के बावजूद भी उसे नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है? कारण मात्र इतना सा है कि जैन दर्शन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, ईश्वर को ही क्या अपितु किसी भी द्रव्य को किसी भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं मानता। और जैन दर्शन इस अकर्तावाद के सिद्धांत को सारे विश्व में इतने दृढ़ विश्वास के साथ मात्र क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर ही कह सकता है। जिनागम का प्रत्येक सिद्धांत इस क्रमबद्ध पर्याय पर ही टिका हुआ है। आप इतना समझ लीजिए कि यदि आप क्रमबद्ध पर्याय के अलौकिक सिद्धांत को नहीं मानते तो आप भगवान सर्वज्ञ को नहीं मानते, और यदि भगवान सर्वज्ञ को नहीं मानते तो आप अपने नाम के पीछे जल लगाने के अधिकारी नहीं है। बढ़ते हैं अपने तीसरे बिंदु की ओर, संसार विनाशक क्रमबद्ध पर्याय। क्या है यह संसार, क्या है क्रमाक्रम, क्रम अर्थात गुणस्थान एवं अक्रम अर्थात मार्गणा स्थान, और इन दोनों से मिली हुई पर्याय को ही संसार कहते हैं। और इस संसार रूपी भव समुद्र को पार करने में सम्यक दर्शन ही खेवटिया के समान है। क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना वैसा है जैसा जल के बिलोने पर मक्खन की प्राप्ति होना, और क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा स्वरूप समझने वाले को ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा क्रमांक 323 में कहा है, एवं जोड़े चय दो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुद्धो जो संक दिशोह को दिठी। अर्थात निश्चय से जो इस क्रमबद्ध पर्याय को जानता है वह सम्यक दृष्टि, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि। अतः यह सिद्ध होता है कि क्रमबद्ध पर्याय संसार को नाश करने वाली है। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम चौथे बिंदु की ओर, आज तक के इस जीव और कर्म के महायुद्ध में हमेशा कर्म की जीत हुई है और जीव हारता हुआ आया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उसने क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा स्वरूप नहीं समझा। अनादिकाल से इस जीव ने अपनी प्रत्येक पर्याय का कर्ता कर्म को माना है, और है कर्म रूपी दानव हमारा परिणाम और हमारे उपयोगों को खाकर बलिष्ठ होता जा रहा है, और यह जीव अत्यंत ही दुर्बल होता जा रहा है। तो आखिर हम करें क्या, क्या करें? तो हमें मात्र इतना सा करना है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, इस तनिष्ठ सुख दुख कैसी भी परिस्थिति हो,
उस परिस्थिति का आरोप कर्मों पर न डालकर क्रम नियमितता के अनुसार ऐसा ही होना था, ऐसी दृढ़ आस्था करके उसे सहजता से स्वीकार करें, क्योंकि कर्मों की ओर ध्यान न देना ही कर्म की सबसे बड़ी हार है और सहज हो जाना ही जीव की सबसे बड़ी जीत है। और इस जीव के जीतने से हमें मिलने क्या वाला है कि अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। तो इस प्रकार हम सभी क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझकर अनंतानंद को अनंत काल तक भोगे। अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से इस गोष्ठी का ध्येय श्रद्धेय और प्रयोजन व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सिर्फ कर्मों को हराना ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ कर्मों को हराना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि मुझको मुक्ति मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। और दूसरी पंक्ति इस प्रकार है कि जो होना है सो नक्की है, बात एकदम पक्की है। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए भाई गायक जैन ने। अब आगामी वक्ता के लिए भाई आशुतोष जैन शास्त्रीय प्रथम वर्ष से, और आगामी वक्ता के लिए भाई समर्थ जैन जिनका विषय है रंगमंच का अंतिम नाटक। भाई आशुतोष। नमः वीतरागाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। आज की इस ज्ञान गोष्ठी रूपी महायज्ञ में मेरा आहुति का विषय है सर्वार्थ सिद्धि प्रदायक जीव तत्व। तो सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की वृत्ति है। इसमें इसके 10 अध्याय हैं, और आइए हम सबसे पहले अध्यायों का विभाजन देखते हैं। सबसे पहले पहले से लेकर चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। छठवें सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आठवें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। नौवें अध्याय में संवर और निजरा तत्व का वर्णन है। और दसवें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो जीव का प्रयोजन सुख है, सुख मोक्ष में है, और मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अब सम्यक दर्शन का उपाय कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार्थ का यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि तत्व सहित अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। वे तत्वार्थ 7 प्रकार के हैं, जीवाजीव आसवन संभर निजा मोक्षास तत्व। अब इन तत्वों को जानने के 20 उपाय कहे, नाम स्थापना प्रमाण निर्देश स्वामित्व इत्यादि 20 उपाय। अब सम्यक ज्ञान को हम जानते हैं। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है, मति शुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्धिकार ने इसमें विशेष ये कहा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को समीप से इसलिए रखा है क्योंकि इनमें कारण कार्य संबंध है, और मना पर्याय ज्ञान को और केवल ज्ञान को समीप इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें इनका आधार संयम है, और अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान अत्यंत दूर है, इसलिए वहां पर उसको पहले पाठ किया गया है, पहले याद किया गया है। अब जो मति ज्ञान और जो श्रुत ज्ञान है वह इंद्रियों मन के निमित्त से होते हैं। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये आत्मा से स्पष्ट होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सिर्फ कुछ सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। अवधि ज्ञान पुद्गल रूपी पुद्गलों को जानते हैं। मना पर्याय ज्ञान मन में स्थित रूपी पुद्गलों को जानते हैं। और केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त क्रमवर्ती सहवर्ती अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। अब इनमें मति शुद्ध तत्वों के विपरीत श्रद्धान के कारण मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और जो अवधि ज्ञान है वह मिथ्या भी होता है। इस प्रकार प्रमाण की चर्चा हुई। इसमें परोक्ष प्रमाण में जो प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान है ये सब मति ज्ञान के भेद हैं, और जो आगम है वह शुद्ध ज्ञान का भेद है, और मति ज्ञान जो है वह 336 इसके भेद हैं, और शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के तो 12 भेद हैं और अंग बाह्य अनेक प्रकार का है। और जो मना अवधि ज्ञान है वह एक तो भव प्रत्यय है और दूसरा क्षयोपशम निमित्तक है। क्षयोपशम निमित्तक हीयमान बद्यमान इत्यादि 6 प्रकार का है। और उसके बाद मना पर्याय ज्ञान विपुलमति और ऋजुमति इस प्रकार 2 प्रकार का है, और केवल ज्ञान के कोई भेद नहीं है। उसके बाद जो
इस प्रकार हमने प्रमाण की चर्चा की। प्रमाण के बाद आचार्य ने नैगमादि नयों का वर्णन किया। अब दूसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया। जीव तत्व का वर्णन करते हुए सबसे पहले आचार्य ने पांच जीव के पांच असाधारण भाव बताए, जिसमें औपशमिक, छायिक, सायोपशमिक इत्यादि भाव है। औपशमिक के दो भेद हैं, छायिक के नौ भेद हैं, और छायोपशमिक के 18 भेद हैं, औदायिक के 21 भेद हैं, और पारिणामिक के 3 भेद हैं। इस प्रकार टोटल 53 भेद हैं। अब जीव तत्वाद का लक्षण किया उन्होंने, उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उसके दो भेद हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के 8 भेद हैं और दर्शन उपयोग के चक्षु अचक्षु इत्यादि 4 भेद हैं। उसके बाद उपयोग लक्षित उपयोगवान जीव के भेद बताए, संसारिणो मुक्ताश्च। उसमें संसारी जीव के भी दो भेद बताए, एक तो मन सहित और मन रहित, और दूसरा मतलब एक तरीके से और नया भेद बताया कि त्रस और स्थावर, जिसमें त्रस 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, और बाकी जो स्थावर है अग्निकाय, पृथ्वीकाय इत्यादि 5 प्रकार के जीव हैं। उसके बाद जो एक देह छोड़कर दूसरी देह में जाते हैं, उसके बीच का जो समय है, उसके बीच की जो गति है, उसको विग्रह गति कहा। वह एक दो तीन समय वह मोड़ वाली होती है। अब स्वाभाविक सी बात है, सहज बात है कि जब देह छोड़ दिया है तो नया जन्म धारण करेंगे, तो जन्म का प्रसंग आता है। तो जन्म 3 प्रकार के कहे, गर्भज, समूर्छन, गर्व और उत्पाद। उत्पाद जन्म तो देवनारकियों के होता है, समूर्छन और जो गर्भज जन्म होता है वह जरायुज, अंडज और पोत के होता है, और बाकी श्रेष्ठ जीवों के समूर्छन जन्म होता है। उसके बाद जो नारकी और समूर्छन जीव होते हैं वे सब नपुंसक होते हैं। उसके बाद जो देव होते हैं वहाँ स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है, और शेष सभी जीवों के 3 वेद होते हैं। उसके बाद जो एक प्रश्न उठता है कि तीसरे और चौथे अधिकार में तो कर्णानियोग का विषय कहा गया है, तो उसको जीव तत्व के वर्णन के अंदर, निरूपण के अंदर क्यों ले लिया गया? तो उसका वहाँ इसलिए उसको जीव तत्व के निरूपण के अंदर लिया गया है क्योंकि वह जीव के रहने के स्थानों की मुख्यता से वहाँ पर वर्णन है। तो वहाँ पर भी देवकी और नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर बताई और जघन्य आयु 10,000 वर्ष बताई। ऐसे ही मनुष्यों की और त्रियंशों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले बताई और जघन्य आयु 1 अंतर मुहूर्त बताई। अब फिर बताया कि मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, एक तो आर्य और दूसरे म्लेच्छ। आर्य भी 2 प्रकार के हैं, एक रिद्धिधारी और एक बिना रिद्धिधारी, और देव 4 प्रकार के हैं, व्यंतर इत्यादि 4 प्रकार के। इस प्रकार हमने जीव तत्व का निरूपण देखा। अब आचार्य देव ने सर्वप्रथम जीव तत्व का निरूपण करके हमें मानो यह संदेश दिया है कि इसी जीव तत्व की श्रद्धा, ज्ञान व आचरण से ही हम कर्मों का अभाव कर सकते हैं और कर्मों से जीत सकते हैं। अब अभी तक जितने जीते हैं और जीतेंगे, वे सभी इसी जीव तत्व के आधार पर जीते थे। इस प्रकार हम भी उस जीव तत्व को प्राप्त करें और कर्मों से जीतें, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिस आत्म तत्व की महिमा अनादि काल से अनंत तीर्थंकरों, गणधरों, मुनिराजों ने की है, और अनंत काल तक अनंत तीर्थंकर, अनंत गणधर, अनंत मुनिराज करते रहेंगे, सर्वार्थ सिद्धि में भी जितने भी देव हैं 33 सागर तक एक ही चर्चा करते हैं, कोई भी बात रिपीट नहीं होती। उस चर्चा को मुझे सिर्फ 6 मिनट दिए गए, मैं विषय के साथ उतना न्याय नहीं कर पाया, लेकिन उस पूरे वर्णन को सिर्फ एक समय की आत्मानुभूति में हम सारभूत से ग्रहण कर सकते हैं, हम उस आत्मानुभूति को प्राप्त करें। इसी मंगलवाणी में अपनी बात धन्यवाद भाई आशुतोष के लिए। अब आगामी वक्ता के लिए भाई समर्थ जैन शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनका विषय है रंगमंच का अंतिम नाटक, और इसके तत्पश्चात तात्कालिक वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई अमन जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, जिनका विषय है सर्व कर्म कांड नाशक जीव मार्तंड, आपका यह विषय है। अभी भाई समर्थ जैन। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य, आदरणीय मंच एवं सभासदों, मेरा विषय है रंगमंच का अंतिम नाटक। इस महती 84 लाख योनि के रंगमंच पर यह मोह तथा अन्य अध्यवसानादि कलाकार अनादि काल से अनेक वेशों को धारण करते हुए अनेक रंगारंग कलाकृतियों द्वारा इस जीव राज को अनादि काल से मोहित करते हुए आ रहे हैं। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि इतना स्पष्ट भेद भेद विज्ञानियों द्वारा जान लेने पर भी उन्होंने इस भेद को भेद दिया
आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना स्पष्ट भेद स्फुरायमान होने पर भी जीवराज की नजरों के सामने यह मोह इस रंग मंच पर अभी तक नाच कैसे रहा है। अस्तु जो भी हो, परंतु जिस समय यह जीव अपने संपूर्ण कर्मों को नाश करने के लिए उद्यमबंध होता है उसी समय यह जीव अपनी मोक्ष यात्रा को प्रारंभ कर देता है। जीव अपनी मोक्ष यात्रा में 5 चरणों पर अपने स्थान पर स्थापित करता है। पहला क्षयोपशम लब्धि, दूसरा विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। सर्वप्रथम अपने प्रगट क्षयोपशम की सार्थकता हेतु अपने प्रगट हिताहित के ज्ञान द्वारा यह अज्ञान के नाश करने के लिए जो संकल्प मात्र करता है उसके द्वारा यह अपनी क्षयोपशम लब्धि को सार्थक करता है। लोक में एक लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है, नीतिविहीन पुरुष पर धर्म की किरणें शोभायमान नहीं होती। शायद इसी कारण से क्षयोपशम लब्धि के बाद यही जीव विशुद्धि लब्धि पर आरूण होता है। मानो इसी जीव को नीति कुशल बनाने के उद्देश्य से ही आचार्य ने चौथी गाथा में स्पष्ट रूप से कह दिया, सुत परिचदाणु भूदा सब्वस्वि काम भोग बंद काहि यत्तस्वलुम्नो रमणीय असुलहो वियत्तस्य। इन गाथाओं के द्वारा आचार्य ने सर्वप्रथम इसको भोगों की असारता दिखाई तथा एकत्र विभक्त आत्मा की दुर्लभता बता दी। इसके पश्चात मात्र यहीं पर आचार्य नहीं रुके, इस जीव को पापों से विरक्त कराने के उद्देश्य से 263-264 की गाथा में पापों से विरक्ति के लिए हेतु में कहा आचार्य ने कि हिंसा झूठ चोरी कुशील इत्यादि से पाप बंद होता है और अहिंसा इत्यादि से पुण्य बंद होता है, इसलिए जीव को पाप आदि से विरक्त होना चाहिए। इस प्रकार सर्वप्रथम भोगों की असारता दिखलाई, तत्पश्चात पापों से छुड़ाया। मात्र इतना ही नहीं, जीव की स्वच्छंद प्रवृत्ति पर भी कुठाराघात किया गया है। 166वीं कलश में बहुत सुंदर पंक्ति के द्वारा आचार्य ने शब्द डाले हैं, वहां पे उन्होंने कहा तथापि ना निरर्गलम चरितो मिश्यते ज्ञानीनाम। अर्थात यह बात सत्य है कि लोक आदि कारणों से बंधन नहीं होता, राग आदि से ही बंधन होता है, परंतु फिर भी ज्ञानियों को स्वच्छंद प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। इस प्रकार आचार्य ने विशुद्धि लब्धि के माध्यम से भोगों की असारता दिखलाई, पापों से छुड़ाया, तत्पश्चात स्वच्छंद प्रवृत्ति पर कुठाराघात किया। इस विशुद्धि लब्धि का फल बताते हुए आचार्य ने कहा मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्या वानुभूते। यह तो सामान्य फल, और विशेष फल बताते हुए 150वीं गाथा की टीका में उन्होंने बहुत सुंदर शब्द डाला है। वहां पर उन्होंने कहा मुच्चदी जीवो विराग संपत्तो। मतलब क्या कि विराग संपत्ति से युक्त जीव, जिसके पास वितराग संपत्ति है, वह जीव संपूर्ण कर्मों का नाश कर देता है। इस प्रकार मात्र विशुद्धि लब्धि के माध्यम से यह सर्वप्रथम कर्मों पर विजय प्राप्त करता है। इसी क्रम से जब विशुद्धि लब्धि के पश्चात यह जीव देशना लब्धि पर आरूढ़ होता है, तो देशना लब्धि पर पहुंचने पर आचार्य इसे 3 प्रकार का उपदेश देते हैं। सर्वप्रथम तो आचार्य इस जीव को इसकी गलती से अवगत कराते हैं। गलती से अवगत कराने के पश्चात आचार्य इसकी तर्कणा शक्ति को बलवती करते हैं, और तर्कणा शक्ति को बलवती करने के पश्चात क्रमशः आचार्य इसे भेद विज्ञान के लिए अग्रसर करते हैं। सर्वप्रथम बहुत सारी अनेक गाथाओं के माध्यम से इसकी गलती बताते हुए आचार्य ने संबोधन दिया है, जैसे कि कमेणो कमी अहमदिया कम च कमेणो कम जाय स खलु बुद्धि पड़िबुद्धोवदिताव। यदि संपूर्ण इन गाथाओं का सार लेकर बोला जाए तो जब तक यह जीव कर्म के परिणामों को, नौ कर्म के परिणामों को, या कहें कि मोह इत्यादि 29 प्रकार के भावों को जीवकृत या जीव के मानता रहेगा, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। अब इस अप्रतिबुद्धता के नाश हेतु जीव अपने द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही, स्वयं से ही अनेक प्रकार की ऊहापोह करता है, तर्क वितर्क करता है। इस अवस्था में पहुंच जाता है जब बारंबार चिंतन चलता रहता है, और इस चिंतन में कैसे चिंतन चलता है कि यदि जीवोणा शरीरम तिथय रायरिय संतुरी अविच्छेव सब्वव्यवधि मिच्छा। जीव को शरीर माने, जीव शरीर है कि नहीं है, क्या होगा यदि जीव को शरीर मान लिया जाएगा, इस प्रकार कई प्रकार से चिंतन चलता है। वस्तु नित्यात्मक है अनित्यात्मक है, नित्य मान लेंगे तो क्या होगा, संसार से अभाव हो पश्चद संघ समाह हुआ, इत्यादि कई प्रकार से चिंतन करता हुआ क्रमशः भेद विज्ञान के लिए अग्रसर करता है। पूरा समय सार यूं तो भेद विज्ञान के लिए ही लिखा गया है, परंतु मूल रूप से कहा जाए तो ज्ञानात विवेचक तया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस एव वा पयसोर विशेषम। कि जैसे हंस दूध और पानी के विवेक को जान लेता है, वैसे ही जीव को भी क्या करना चाहिए कि चेतन और पुद्गल के बीच में बारंबार चिंतन मनन घोलन चिंतन करते रहना चाहिए, और इसमें जैसे हंस भेद विज्ञान कर लेता है, वैसे ही जीव को भी भेद विज्ञान करना चाहिए। अब इस भेद विज्ञान का मूल शस्त्र क्या है,
तो वहां पे 34वीं 35वीं गाथा में बोला कि राणम पच्चक खाड़म, ज्ञानी प्रत्याख्यान है, ज्ञानी वो प्रबल शस्त्र है जिसके द्वारा यह जीव भेद विज्ञान के लिए अग्रसर हो सकता है। क्यों करें भेद विज्ञान, क्यों करें, ये देशनालब्धि से फायदा क्या है, देशनालब्धि से मिला क्या? तो फिर आगे आचार्य ने कहा भेद विज्ञान तहा सिद्धा सिद्धा ही किलकेचना असही भावितो वद्धा वद्धा ही किलकेचना। अर्थात जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, सामान्य रूप से कहूं तो जितने भी जीवों ने कर्मों पर विजय प्राप्त करी है वो मात्र इस भेद विज्ञान के द्वारा ही करी है। फिर क्रमशः भेद विज्ञान को पार करता हुआ प्रायोग लब्धि को पार करके विशुद्धि लब्धि पर पहुंचता है। विशुद्धि लब्धि में यह मात्र एक शुद्ध चैतन्यमयी ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण उस आत्मा में ही स्थित होता है, उसी में लीन होता है। अहम एक को खलु शुद्धो डिम्बमो राण दंसर समग्गो तम्मी ठियो तच्चित्तो सव्वेदे खयमडेमी। और इस प्रकार जैसे ही उसमें लीन होता है उसी में परिपक्व हो जाता है और क्रमशः क्रमशः करते 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 वह सभी कर्मों का नाश कर देता है और उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है जिसे नमस्कार करते हुए आचार्य ने लिखा है वंदित्तु सब सिद्धे दो मचल मड़ो वमो गदम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो शुद्ध केवली भड़ीदम। और इस प्रकार यह जीवराज संपूर्ण कर्मों के भेदों को भेदता हुआ इस नाटक का अंत कर देता है। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई समर्थ जैन को। मैं हूँ स्वभाव से समय सार परिणति हो जावे समय सार है यही चाय है यही रा जीवन हो जाए समय सार। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए भाई समर्थ जैन ने। अब आगामी वक्ता भाई अमन जैन जो तात्कालिक वक्ता हैं, अब इसके बाद तैयार रहें अक्षय जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष जिनका विषय है प्रमाणस्य प्रमेय जीवस्तत्व सिद्धि। अब भाई अमन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा जयजनन। सर्व कर्म कांड नाशक जीव मार्टंड कि सारे कर्मों का नाशक जीव मार्टंड, यहाँ जीव मार्टंड से जीव कांड ग्रंथ के आधार से हम सारे कर्मों के नाश की प्रक्रिया जो आचार्य नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताई है उस पर चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ में आचार्य ने 20 प्ररूपणाओं की चर्चा की जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं 14 मारणा गुणस्थान पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग। ये 20 की संख्या बड़ी ही निराली है क्योंकि आचार्य देव ने जीवकांड ग्रंथ में जहाँ 20 की संख्या ली वहीं उमा स्वामी आचार्य ने जीव तत्व को जानने के लिए 20 उपायों की चर्चा की। प्रमाण ने नदीगमा नाम स्थापना सत संज्ञा निर्देश स्वामित्व इन 20 उपायों की चर्चा की। इस जीवकांड ग्रंथ में आचार्य देव ने सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वो सर्वश्रेष्ठ कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं। हम समय सार को परम आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं क्योंकि उसमें सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया। पर ये नैमिचंद आचार्य द्वारा कृत जीव कांड ग्रंथ भी आध्यात्मिक ग्रंथ से कम नहीं दिखता। भले ही हम इसे सिद्धांतिक ग्रंथ कहते हैं पर इसमें अध्यात्म का पुट जगह जगह है। क्यों? जहां समय सार में उसका मंगलाचरण करते हुए वंदित्तु सब सिद्धे कहा वहीं नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने सिद्धम शुद्धम पद्मीय जिनेन्द्र वर नैमिचंद मकलंकम गुण रयण भूषण दयम जीवस्य परूपणम वोच्छम। इसको हम सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। सिद्धांत के काफी सारे अर्थ होते हैं कि जिसको पढ़कर हम अंत में सिद्ध बने उसको सिद्धांत कहते हैं। पर जब सिद्धांतिक ग्रंथों की चर्चा आती है तो उस सिद्धांत का अर्थ होता है कि जहां सबसे अंत में सिद्धों का वर्णन किया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। आचार्य नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गुणस्थानों की चर्चा की तो गुणस्थान की चर्चा करते हुए एक शॉर्ट में लिखते हैं मोह जोगो भवा। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की जो अवस्था होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। और गुणस्थान का वर्णन करके अंतिम गाथा में सिद्धों को नमस्कार करते हैं। मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि गुणस्थान को बताना मेरा प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन तो सिद्ध दशा को बताना है जो हमारा आदर्श दशा है हमारी साध्य दशा है। वैसे ही जैसे समय सार में आचार्य देव ने कहा तम एयत्त विहत्तम दाहेयम अपनो सभी अवेण जदि दाएज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव कि मुझे एकत्र विभक्त आत्मा बताना है। वैसे ही नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हो कि मुझे वो सिद्ध दशा बतानी है। फिर जाके उन्होंने मार्गणाओं की चर्चा की तो मार्गणाओं में गति मार्गणा की चर्चा की तो कहते हैं गति की चर्चा मुझे इष्ट नहीं है, जो इन चारों गतियों से रहित पंचम गति को प्राप्त सिद्ध अवस्था है वो मुझे प्राप्त करनी है तो उसका वर्णन किया।
इंद्री मार्गना की चर्चा की तो इंद्री रहित सिद्ध परमात्मा को वर्णन किया, फिर काय मार्गना की चर्चा की तो काय रहित सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, फिर कषाय मार्गना की चर्चा की तो कषाय मार्गना में सर्व कषायों से रहित सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, फिर वेद कषाय वेद मार्गना की चर्चा की तो वेद रहित सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, फिर ज्ञान मार्गना में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंतिम में केवल ज्ञान की चर्चा कर उसको ही श्रेष्ठता प्रदान की, फिर संयम मार्गना में भी यथा क्या संयम को अंतिम में रखकर उसको ही सर्वश्रेष्ठ बताया, फिर सम्यक्त मार्गना संयम मार्गना भव्यत्व मार्गना में भव्य अभव्य पने से रहित सिद्ध परमात्मा को उन्होंने बताया, इत्यादि 14 मार्गनाओं में सबसे अंत में सिद्ध परमात्मा को रखकर मानो वो नैमिचंद आचार्य हमसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने षटखंडागम के 6 खंडों को साध कर मात्र सिद्ध परमेष्ठि को इष्ट रखा, क्योंकि सिद्ध परमात्मा सिद्ध दशा ही हमें लिए आदर्श है और उस सिद्ध परमात्मा जो दशा हमारी साध्य है और ऐसा ही सिद्ध स्वरूप हमारा है, ऐसे सिद्ध स्वरूप को जो जानता है पहचानता है उसमें लीन होता है तो उसके 14 गुणस्थानों की अवस्था क्रम से चढ़ती है और उन 14 गुणस्थानों से पार जो सिद्ध अवस्था है वो हमें प्राप्त होती है। मार्गना स्थानों की चर्चा की तो कह रहे हैं मार्गना स्थान की चर्चा करना मुझे इष्ट नहीं है, मुझे मार्गनाओं से पार जो सिद्ध परमात्मा है उसकी चर्चा करना इष्ट है, क्यों कि गुणस्थान और मार्गना स्थान से जीव की चर्चा करना ये अशुद्ध निश्चयने का विषय है और मेरा जो चैतन्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है सिद्ध अवस्था है वो शुद्ध निश्चयने का विषय है। द्रव्य संग्रह में आचार्य ने कहा मग्गण गुण ठाने ही चौदस जीव समास मग्गण गुण ठाने इत्यादि कहकर आचार्य देव ने गुणस्थान मार्गना स्थान को अशुद्ध निश्चयने का विषय कहा और इनसे सव्वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया कि जीव के अशुद्ध निश्चयने से कहे हैं और वास्तविकता में शुद्ध निश्चयने से देखा जाए तो वो शुद्धात्मा ही है। इस प्रकार इस कर्णानी के ग्रंथ में भी बारंबार अध्यात्म का पुट रखकर आचार्य देव ने कहा कि तुम किसी की भी चर्चा करो पर अंतिम में निष्कर्ष सिद्ध अवस्था तक ही जाना चाहिए। इस प्रकार हम भी अपने सिद्ध स्वभाव को देखें उसको जाने पहचाने उसमें लीन हो जाए इसी मंगल भावना। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए भाई अक्षय जैन जिनका विषय है प्रमाणस्य प्रमेय जीवास्तत्व सिद्धि और इसके बाद तात्कालिक वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई स्वप्निल जैन शास्त्री तृतीय वर्ष से जिनका विषय है संसार चक्र नाशक नय चक्र। अभी भाई अक्षय जैन। ओम नमः सिद्धेभ्या। आदरणीय मंच और सभासद सभी को मेरा सादर जय जिनेन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है प्रमाणस्य प्रमेय जीवास्तित्व सिद्धि अर्थात प्रमाण का प्रमेय ऐसे जीव की सिद्धि मुझे यहाँ से करनी है। प्रमाण और प्रमेय क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है और ऐसे प्रमाण के द्वारा जानी गई जो वस्तु होती है उसे कहते हैं प्रमेय। सामान्य तौर पर जगत में प्रमेय को और ज्ञेय को एक समझ लिया जाता है परंतु वास्तव में दोनों एक नहीं है क्योंकि प्रमेय वह है जो प्रमाण के द्वारा वस्तु जानी जाती है उसे प्रमेय कहते हैं और प्रमाण सम्यक होता है इसलिए प्रमेय भी सम्यक होता है परंतु जो ज्ञेय होता है वह ज्ञान के द्वारा जानी जाने वाली वस्तु है और ज्ञान सम्यक अथवा मिथ्या दोनों रूप हो सकता है इसलिए ज्ञेय भी सम्यक अथवा मिथ्या दोनों रूप होता है हो सकता है। प्रमाण की परिभाषा देते हुए आचार्य माणिक्य नंदी परीक्षा मुख में कहते हैं स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इस परिभाषा के माध्यम से आचार्य ने अनेक मत मतांतरों का खंडन किया है जैसे स्वपद से परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसकों का खंडन किया है अपूर्व पद से धारावाहिक ज्ञान का खंडन किया है इस प्रकार से अनेक मतांतरों का खंडन वहां पर किया है। इस प्रकार से अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इन तीन दोषों के परिहार से रहित परिहार सहित यह लक्षण सुव्यवस्थित वहां पर बैठता है और इसी प्रमाण से जानने वाले प्रमेय रूप जीव की सिद्धि आज हम यहाँ से तीन पॉइंटों में करेंगे। सबसे पहला ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता और दूसरा ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात ज्ञान की स्वतंत्रता का दूसरा और तीसरा सर्वज्ञ सिद्धि। सबसे पहला ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता। पहला भारतीय दर्शनों में कुछ दर्शन ज्ञान को परप्रकाशक मानते हैं कुछ दर्शन ज्ञान को स्वप्रकाशक मानते हैं। परप्रकाशक मानने वाले कैंची का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से कैंची हमेशा दूसरों को ही काटती है अपने आप को नहीं काटती वैसे ही ज्ञान
दूसरों को ही जानता है, अर्थात पर पदार्थों को जानता है, अपने आप को नहीं जानता। और स्वप्रकाशक मानने वाले दर्पण का उदाहरण देते हैं कि जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंबित पदार्थों को ही जानता है, बाह्य पदार्थों को नहीं जानता, वैसे ही ज्ञान अपने आप को जानता है, पर पदार्थों को नहीं जानता। परंतु जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो ज्ञान को स्व पर प्रकाशक दोनों रूप स्वीकार करता है। वह इसके लिए प्रदीपवत का उदाहरण देता है, अर्थात कि जैसे दीपक स्वयं को तो प्रकाशित करता है, ये साथ में पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही यह ज्ञान स्वयं को और पर पदार्थों को भी जानता है। इसी बात को समझाते हुए आचार्य देव ने परीक्षा मुख में सूत्र कहे हैं, घटमय महात्मना वेदनी और कर्मवत कर्तकरण क्रिया प्रतीते। अर्थात कि जैसे कोई पुरुष अपने द्वारा घट को जानता है, वैसे ही वह अपने आप को जानता है। इस प्रकार से वहां पर ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता को सिद्ध किया है। और अंत में आचार्य देव ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता को सिद्ध करते हुए यह संकनाद करते हैं कि कोवा तत्प्रतिभाषण मर्थ मध्यक्ष मिक्षण इष्टदेव तथा को नक्षेत, कि अर्थात कि वह कौन सा पुरुष होगा जो ज्ञान से प्रतिभाषित पदार्थ को तो प्रत्यक्ष जानता है परंतु स्वयं ज्ञान को भी प्रत्यक्ष नहीं जानता। इस प्रकार से आचार्य देव ने यहां पर ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता को सिद्ध किया। दूसरा पॉइंट कि गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात यहां पर ज्ञान की स्वतंत्रता को सिद्ध किया है। कि कुछ भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन ज्ञान की उत्पत्ति गेयों द्वारा मानता है, परंतु आचार्य इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि नार्था लोको कारण परिच्छेदत्वात् तमोवत्, अर्थात कि ज्ञान की उत्पत्ति अर्थ और आलोक के द्वारा नहीं होती। कि अर्थ के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अर्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे केशंडुक ज्ञानवत, अर्थात कि केशों में उंडुक का ज्ञान होना। और दूसरा आलोक के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। उसके लिए उदाहरण दिया है नक्तंचर ज्ञानवत, अर्थात कि नक्तंचर जो उल्लू आदि होते हैं उनको भी रात में ज्ञान हो जाता है। इसी के लिए आचार्य अनंत वीर ने उदाहरणात्मक श्लोक कहा है, पीते कारागारे तमसिच दुर्भिक्षे मई च निम्लित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। अर्थात जैसे कोई अपराधी कारागार में बंद हो, वहां पर घोर अंधकार हो, सुई के अग्रभाग के समान भी वहां पर प्रकाश ना हो, लेकिन फिर भी मोह के बस वह आंखें बंद करता है तो उसे अपनी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार से यहां पर ज्ञान है कि ज्ञान को किसी इंद्रिय व पदार्थ के संबंध की आवश्यकता नहीं होती है, वह बिना किसी की सहायता के हो सकता है, वह स्वतंत्र है। उसी प्रकार से ज्ञान आत्मा का अभिन्न होने से, आत्मा और ज्ञान अभिन्न होने से आत्मा भी स्वतंत्र है। अब तीसरा पॉइंट है सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ की सिद्धि के माध्यम से किसी अन्य को सिद्ध नहीं करना है, अपने ही सर्वज्ञ स्वभाव को सिद्ध करना है। और ऐसे ही सर्वज्ञ स्वभाव को सिद्ध करेंगे तभी आत्मा सर्वज्ञ बन पाएगा। जो आत्मा यह कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है, यह किस कारण से बंधा है, यह कर्मों को नहीं जानता है, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता है, इसके पास अनंत शक्तियां हैं। जब यह जीव अनंत शक्तियों को पहचानेगा जानेगा तभी यह कर्मों से रहित हो पाएगा। और जब कर्मों से रहित होगा तभी इसकी बलवत्ता सिद्ध होगी और ये कर्मों से हार जाएंगे। तभी कहा जाएगा कि जीव जीता कर्म हारा। और अभी कर्म हमें ऊपर से दिखते हैं तो इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि कर्म बलवान है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो कर्म बलवान नहीं है, यह जीव ही बलवान है। इसमें अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं और जब यह जीव जानेगा तभी उनको पहचानेगा तभी यह कर्म से रहित होगा। इस प्रकार से हम सभी भी कर्मों से रहित हों और अपनी आत्मा को पहचान, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देते। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अक्षय जैन के लिए। ढाई अक्षर का आत्मा दो अक्षर का ज्ञान, ढाई अक्षर का आत्मा दो अक्षर का ज्ञान, जो यह सम्यक जान ले वो पावे निर्वाण, वो पावे निर्वाण। अब आगामी वक्ता के लिए, तात्कालिक वक्ता के लिए भाई स्वप्निल जैन और अंतिम वक्ता के रूप में भाई तैयार रहे अंकित जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनका विषय है संसार से मुक्ति तक जीवराज की यात्रा। अब आए भाई स्वप्निल जैन। ओम नमः सिद्धेव्या, आदरणीय मंच एवं सभी सभासद। प्रवर्तमान गोष्ठी जीव जीता और कर्म हारा, तो यहाँ पे जीव से जीव तत्व अर्थात आत्मा लेना है और कर्म से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म लेना है। इसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है
भव चक्र, संसार चक्र नाशक नए चक्र। तो यहाँ भव चक्र अर्थात जो हमारे संसार में परिभ्रमण हो रहा है वह लेना है, और उसके नाश स्वरूप जो नए चक्र नयों का स्वरूप है यह मैं बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं नए किसे कहते हैं। तो नए की परिभाषा इस प्रकार है, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राह ज्ञातुर अभिप्रायो नया, अर्थात ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। और कैसा है वो ज्ञाता का अभिप्राय, कि जो अन्य वस्तु के अंश है उसका निराकरण किए बिना बस एक अंश को ग्रहण करता है, ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। या फिर हम सरल भाषा में कहें तो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमें आत्मा की चर्चा करना है इसलिए हम निश्चय व्यवहार जो अध्यात्म के नए हैं उनके ही माध्यम से हमारी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम उनकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो सौ द्रव्य पर द्रव्य को उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करे वह व्यवहार नए है, और जो इन्हीं का यथार्थ निरूपण करे अर्थात सौ द्रव्य पर द्रव्य उनके भावों और कारण कार्य आदि को जैसा है वैसा कहे वह निश्चय है। और सरल भाषा में कहे तो जो दो को एक कहे या एक को दो कहे ऐसा जो कथन करे वो व्यवहार, और जो एक को एक कहे और दो को दो कहे अर्थात यथार्थ कहे सो निश्चय। अब इनके भेद प्रभेद देख लेते हैं। तो व्यवहार नए के दो सद्भुत और असद्भुत ऐसे दो भेद है, और उन्हीं सद्भुत असद्भुत के उपचरित अनुपचरित ऐसे दो दो भेद और हो जाते हैं। तो इस प्रकार चार प्रभेद है। सत भूत, सत अर्थात वस्तु, भूत अर्थात होना, जो वस्तु में है उसका निरूपण करना सद्भुत व्यवहार न है। और असद्भुत, आ मतलब नहीं, सत अर्थात वस्तु और भूत अर्थात होना, जो वस्तु में नहीं है उसका वस्तु में निरूपण करना यह असद्भुत व्यवहार न है। उपचार सहित निरूपण करना यह उपचरित, और उपचार रहित निरूपण करना यह अनुपचरित। अगर सरल भाषा में इनकी परिभाषा हम देखें तो जो आत्मा में गुणों का भेद या फिर पूर्ण विकसित पर्यायों का भेद डाल के निरूपण करे वह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। जो आत्मा में अल्प विकसित पर्यायों का या फिर विकारी पर्यायों का भेद डाल के निरूपण करे वह उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। जो आत्मा का संबंध शरीर और कर्म से जोड़े स्थापित करे वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। और जो पृथक पदार्थों से सहयोगी भावों से द्रव्यों से वस्तु से आत्मा का संबंध जोड़े संबंध स्थापित करे वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। अब हम निश्चय नय के भेद प्रभेद देख लेते हैं। तो शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय इस प्रकार दो भेद है, और उसी शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षर शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार कुल भेद देखे तो दो भेद और प्रभेद देखे तो निश्चय नय के चार प्रभेद हैं। इसकी हम परिभाषा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि जो आत्मा का विकारी पर्यायों से अभेद निरूपण करे वह अशुद्ध निश्चय नय है, जो आत्मा का एक देश शुद्ध पर्यायों से निरूपण करे वह एक देश शुद्ध निश्चय नय है, जो आत्मा का पूर्ण विकसित पर्याय से अभेद निरूपण करे वह साक्षात निश्चय नय है, और जो आत्मा का गुणों के भेद से रहित और पर्यायों से पार निरूपण करे वह परम शुद्ध निश्चय नय है, जो गुण भेद और पर्यायों से पार द्रव्य का निरूपण करे। इस प्रकार हमने भेद प्रभेद देख लिया। तो ये तो हमने नए चक्र समझ लिया, अब हमारा प्रयोजन क्या है, तो नयों से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती ये देख लेते हैं कि कैसे कर्म हार रहा है और जीव जीत रहा है। तो नयाति इति नया, जो हमें ले जाए वो नए है, कहाँ ले जाए, कि जो हमें आत्म द्रव्य तक आत्म वस्तु तक आत्मा तक ले जाए वो द्रव्य है। तो जहाँ व्यवहार ने चर्चा करना शुरू की ना, तो कहाँ से चर्चा शुरू की, कि जो तुम ये अनंत पदार्थों से अपना संबंध जोड़ रहे हो तो मत जोड़ो, क्यों, क्योंकि तुम्हें जो पुण्य पाप से मिला है ना वस्तुएं वही तुम्हारी है, यह कह के चर्चा शुरू की। फिर आगे बढ़ते बढ़ते भेद विज्ञान बढ़ते गया, आगे कहा जो ये तुम वस्तु देख रहे हो ना ये भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा शरीर तक ही तुम्हारे संबंध है। और फिर आगे कहा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, राग आदि तक ही तुम्हारे संबंध है। और फिर और आगे बढ़ते बढ़ते एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय से भी भेद विज्ञान करा दिया, और अभेद वस्तु तक जो पर्यायों से पार गुणों से भेद है ऐसी आत्मा तक लाके खड़ा कर दिया, इस प्रकार बताया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे भेद विज्ञान कराया, कि शरीर और सहयोगी पदार्थ से भेद विज्ञान करा के तो नौ कर्म से भेद विज्ञान करा दिया, उसके बाद राग आदि से भेद विज्ञान करा के भाव कर्म से भेद विज्ञान करा दिया,
और कर्म से भेद विज्ञान करा के द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान करा दिया कि आत्मा ये नहीं है, ये आत्मा के नहीं है, आत्मा इनका कर्ता नहीं है, आत्मा इनका भोक्ता नहीं है और आत्मा इनका स्वामी नहीं है। तो फिर कैसा है आत्मा? तो यदि नास्ति से कदन करे तो नवी होदी आपमत्तो ना पमत्तो जान गोदु जो भावो, कि जो प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से रहित है ऐसा आत्मा है। और यदि अस्थि से निरूपण करे तो कैसा है आत्मा? परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, कि ज्ञान और आनंद से भरपूर है। तो आप में से कोई भी कह सकता है कि जब आत्मा इतना आनंद से भरा हुआ है तो हमें आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो उसके लिए कहा ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देह व्यवस्थितम, कि एक बार उस आत्मा का दर्श तो करो, क्योंकि उस आत्मा का दर्श ही सम्यक दर्श है, सम्यक दर्शन है, जानना ही सम्यक ज्ञान है और उसमें रमणता ही सम्यक चारित्र है। अरे यदि उस आत्मा में उपयोग अंतर्मूर्त तक स्थित हो जाए तो अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आनंद मैं हूँ, ऐसा आनंद स्वरूपी आत्मा मैं हूँ, यहाँ पे तो ये बताया गया है। इस प्रकार कर्मों से भेद विज्ञान कराकर कर्म को हराया है और आत्मा को जिताया गया है। तो यहाँ पे हमारा कर्मों को हरा के कर्मों को नीचा दिखाना ये प्रयोजन नहीं है, कर्मों का अपमान करना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन क्या है कि यदि पप्पू पास हो या पप्पू फेल हो तो वो अपनी योग्यता से होता है, मास्टर जी ने उसमें कुछ नहीं किया। उसी प्रकार जीव संसार में रह रहा है या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है तो उसमें कर्मों का उदय या क्षय निमित्त नहीं है, वो जीव अपनी योग्यता से रह रहा है, यहाँ पे यही बताया गया है। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जनेऊ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई स्वप्निल जैन को जो तात्कालिक वक्ता थे। भाई साहब कहते हैं, संजीव जी भाई साहब, कि नए चक्र एक ऐसी चीज है जिसको समझ में नहीं आता वो उसको नए चक्र को नया चक्र कहकर छोड़ देते हैं, परंतु ये जो नए चक्र है ये हमारे द्वारा या आपके द्वारा या किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के द्वारा कहा गया नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण में कहा गया है कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नए चक्र को, कि है जो नए चक्र से जो नए आदि जितने हैं वह जिनवर द्वारा कथित हैं, इसलिए हमें उसको अपने हृदयगम करना चाहिए और अपने संसार चक्र को छोड़ना चाहिए। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं भाई अंकित जैन को, जिनका विषय है संसार से मुक्ति तक की जीवराज की यात्रा। ओम नमः सिद्धेव्य। सम्माननीय मंच एवं संपूर्ण सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी जीव जीता कर्म हारा में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है संसार से मुक्ति तक जीव की यात्रा। अनादि काल से जिस प्रकार बकरियों की टोली में रहता हुआ शेर का बच्चा शेर ही है, उसी प्रकार से अनादि काल से कर्मों के उदय से प्राप्त पर्यायों के बीच में रहता हुआ यह भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव का धारक ही है, परंतु भ्रम से अपने आप को परद्रव्य रूप मान रखा है। हमने आज तक अपने आप को परद्रव्य रूप मान रखा है, इसलिए ही यह सारा संसार खड़ा हुआ है। संसार का सफर चल रहा है, मुक्ति तक का सफर तय नहीं हुआ है। लोक में भी कर्मों को ही बलवान बता दिया जाता है, क्योंकि उसके ही अनुसार हमें सुख दुख प्रतिभासित होते से लगते हैं और हम भी वैसा ही मानने लगते हैं। लेकिन जरा हम मोक्षमार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय पर विचार करें। इस लोक में पांच परमेष्टियों के पद ही उत्कृष्ट पद हैं। वे पांचों पद घाती कर्मों के अभाव से, अष्ट कर्मों के अभाव से और तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं, जिनके होने में मुख्य साधन निस्वभाव का आश्रय और निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न होना रहता है। कहने का आशय यही है कि जीव अपने स्वभाव के आश्रय के बल पर इन कर्मों का नाश करने में पूर्णतया समर्थ है। लेकिन आज तक हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया और करें भी क्यों, क्योंकि जब हमें कर्म ही इस लोक में प्रत्यक्ष जीव के स्वभाव का घात करते हुए दिखाई देते हैं। टोडरमल जी ने समाधान किया कि ये कर्म उद्यम से जीव के स्वभाव का घात नहीं करते, क्योंकि इसके लिए उनके बलवानपना और चेतनपना चाहिए, जबकि इस कर्मों में संभावित है नहीं। कर्मों में और जीव में निमित्त निमित्तक संबंध बन रहा है। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मोहन धूल के निमित्त से पुरुष पागल हुआ परिणमित होता है, वहां मोहन धूल का तो निमित्त है लेकिन पुरुष स्वयं ही अपनी योग्यता से पागल होता हुआ परिणमित होता है।
उसी प्रकार इन कर्मों के उदय काल में जब यह जीव स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तब वे कारमान बड़गराएं स्वयं ही कर्मबंध रूप होकर के परिणमित होती हैं। समयसार संभ्राधिकार 181 से 183वीं गाथा की टीका में लिखा, न खलु एकस्य द्वितीयम् अस्ति द्वयोर् भिन्न प्रदेशत्वेन एक सत्तामन उत्पत्ते, अर्थात वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। इसलिए कर्म पुद्गल में होने से जीव से भिन्न है और जीव ज्ञान में होने से पुद्गल से भिन्न है। अच्छा, जब दोनों भिन्न भिन्न हैं तो फिर कर्म बंध का मूल कारण कौन? क्योंकि आठ कर्मों में ज्ञान दर्शन वीर ये तो अपने आत्मा के स्वभाव है। एक ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय से जितने दिखाई नहीं देते उतने का तो उस काल में अभाव है, और जितने दिखाई देते हैं वे तो इस जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं होता। तो फिर अब बचे आघाती कर्म। तो आघाती कर्म के उदय से इस जीव को परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री उपलब्ध होती है, और परद्रव्य भी कभी बंध का कारण नहीं होता। तो फिर आठ कर्मों में एक कर्म बचा, मोहिनी कर्म। जब इस मोहिनी कर्म के उदय से यह जीव एकत्व ममत्व रूप परिणाम करता है, परद्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, तब इस जीव को बंध होता है। इस मोह के उदय से ही इस जीव को अतत्व श्रद्धान होता है। अनादि काल से अनेक पर्याय इन कर्मोदय के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, किंतु मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ये जीव उनमें भी एकत्व ममत्व कर बैठता है। जो ये शरीर मिला वो ही मैं हूं, ये शरीर मेरा है, इस प्रकार से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल खड़ी हो जाती है। ऐसे ही आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष ऐसे ही सातों तत्वों के संबंध में ये जीव भूल खड़ी करता है। जो ये चौथे अध्याय में भूलें बताई अग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आती है, और अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने के लिए ये जीव नवीन साधनों का आश्रय लेता है, जिन्हें गृहित मिथ्यात्व कहा जाता है। उनमें पांचवें छठवें अध्याय में टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दिया, गृहित मिथ्यात्व के प्रभाव से ये जीव या तो सर्वथा आत्मा को अनित्य मानने लगता है, सर्वथा नित्य मानने लगता है, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में मूल में भूल करता है, ईश्वर को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता मानने लगता है, जो कि गृहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। और इस मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा। छठवें अध्याय के अंत में उन्होंने लिखा कि जैन धर्म में तो यह आमना है कि सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ा करके फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जान करके सबसे पहले छुड़ाया। लेकिन इसके बाद जब वो एक कदम और आगे बढ़े, सातवें अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि ऐसा नहीं है कि जैनी जीव मिथ्यात्व नहीं होते, जो जीव जैन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। क्यों? या तो वे सर्वथा निश्चय का पक्ष पकड़ लेते हैं, या सर्वथा व्यवहार का पक्ष पकड़ लेते हैं, अथवा दोनों को ही समान रूप से उपादेय मानते हैं। धर्म का पालन भी करता है तो कुल परंपरा से करता है, परीक्षा प्रधानी दृष्टि नहीं होती, इस कारण से उसके भी मिथ्यात्व रह जाता है। तो फिर हम करें क्या? तो संपूर्ण जनवाणी चार अनियोगों में विभक्त है, सबकी उपदेश शैली अलग अलग है, लेकिन सबका प्रयोजन एक ही है। हमें उस प्रयोजन को समझ करके, अपने हित पर दृष्टि रख करके, आगम के अभ्यास से अपने जब आत्महित में प्रवर्तेंगे तो हमारे आत्मा का हित होगा, और वो आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। तो उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? ये तो सारी संसार की यात्रा हो गई, अब मोक्ष का उपाय क्या है? तो उन्होंने नौवें अध्याय में इसको स्पष्ट कर दिया। अध्याय प्रारंभ करते हुए लिखा कि हमने आपको जो पूर्व में मिथ्या दर्शनादिक का स्वरूप बताया, उसको हे जान करके, दुख का कारण जान करके उसका त्याग करना, और जो आप सम्यक दर्शनादि का स्वरूप बताने वाले हैं उसको उपादेय मान करके उसको अंगीकार करना। इस अध्याय में उन्होंने दो बातें क्लियर कर दी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, और इस जीव को पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस जीव को रागादि कसाय भाव के होने पर ही आकुलता होती है, और जब इस जीव को आकुलता ना हो, पूर्ण निराकुल दशा हो जाए, वो ही सुखरूप अवस्था होती है। इसलिए सबसे पहले मोह कर्म का नाश हितकारी है। शेष सात कर्म भी दुख के कारण तभी बनते हैं जब उसमें मोहिनी कर्म का उदय निमित्त होता है। इसलिए वास्तविकता में तो सभी कर्मों का नाश होना ही आत्मा का हित है, और सर्व कर्मों का नाश होना मोक्ष है। इसलिए उन्होंने लिखा कि इस आत्मा का हित मोक्ष है, ऐसा सिद्ध होता है। तो वो मोक्ष हमें प्राप्त कैसे होगा? तो उन्होंने लिखा कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस जीव ने आज तक तत्व निर्णय करने में अपना उपयोग नहीं लगाया, वो इस जीव का खुद का दोष है। और जब ये जीव आगम के अभ्यास से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाएगा तो वो इस जीव का पुरुषार्थ होगा। इसके माध्यम से उसके मोहादि का उपशम होगा और सम्यक्तादि का उपाय बनेगा और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। पर उन्होंने इसके आगे बढ़ते हुए लिखा
कि जो जीव जिनदेव के उपदेश के अनुसार मोक्ष का उपाय करता है उसको काललब्धि और होनहार भी होते हैं और कर्म का उपसमाधि भी होते हैं, तो उसको मोक्ष का उपाय बनता है। इसलिए हम सभी भी तत्व निर्णय के माध्यम से अपने आत्मस्वरूप में प्रवर्तें और मोक्ष की प्राप्ति करें, जिसके माध्यम से हमारी संसार की यात्रा समाप्त हो, इसी मंगल भावना से। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित जैन को। इस संसार चक्र को समझने के बाद अब हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम अपना कल्याण कर सकें, तो दादा कहते हैं आखिर अब हम क्या करें इतना हमें बताओ, अब हम अपने में जाते हैं तुम अपने में जाओ। हम अपने में जाते हैं कि आचार्य देव कहते हैं, दादा ने आचार्यों के भाव व्यक्त करते हुए कहा कि अब हम अपने में जा रहे हैं, इसी प्रकार आप भी अपने में जाओ और अपना कल्याण करें। पूरी गोष्ठी हो चुकी है, सूचना जैसे आपको पूर्व में ही दे दी गई थी कि मुख्य बिंदु बोलने के लिए, तो शास्त्री द्वितीय वर्ष से अमन जैन के मुख्य बिंदु बताने के लिए शिवराज स्वामी वो आए और अमन जैन के मुख्य बिंदु बताएं। आज की गोष्ठी जीव जीता कर्म हारा में शास्त्री द्वितीय वर्ष अमन जैन आए थे, जिनका विषय था सर्व कर्म कांड नाशक जीव मारतंड। इस गोष्ठी में उन्होंने गोमटसार जीव कांड तथा कर्म कांड इस ग्रंथ के आधार पर चर्चा की। सर्वप्रथम गोमटसार का विभाजन करते हुए उन्होंने 14 मार्गना, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण उपयोग, जीव समास संज्ञा, इस प्रकार 20 प्ररूप नाओं की चर्चा करते हुए उसका विभाजन उन्होंने बता दिया। उसके बाद जिस प्रकार अन्य ग्रंथ में इष्ट देव को नमस्कार करके ग्रंथ की प्रारंभिक शुरुआत की जाती है, तो गोमटसार में भी सिद्धम शुद्धम पनमीय लिखकर सिद्धम को नमस्कार कर ग्रंथ की शुरुआत किस प्रकार की, इसका वर्णन उन्होंने उसमें किया। अंत में यह भी कहा कि यह कर्णानियोग का ग्रंथ है, फिर भी जीव कांड में अध्यात्म का जोर हमें बहुत जोर से दिखाई देता है, क्योंकि इसे सिद्धांत ग्रंथ भी कहते हैं। अंत में सिद्धों का वर्णन उन्होंने किया। अंत में सिद्ध गति की प्राप्ति हमें करना ही एकमात्र उपाय है, इस प्रकार से उन्होंने वहां पे वक्तव्य बताया। उसके बाद गुणस्थान आदि की परिभाषा लिखते हुए मोह और योग के निमित्त से होने वाले सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि भाव भी गुणस्थान है, इस प्रकार से गुणस्थान की परिभाषा बताई। उसके बाद मार्गनाओं की चर्चा करते समय जो गति से रहित हो, इंद्रियों से रहित हो, कायों से रहित हो, कषायों से रहित हो, वेद से रहित हो, इस प्रकार सिद्धों की चर्चा उन्होंने की। अंत में सिद्ध परमात्मा को ही नमस्कार करके उन्होंने ग्रंथ की सार्थकता बताई, इस प्रकार अमन जैन के कुछ मुख्य बिंदु। यह गोष्ठी जब संयोजित हुई थी और उस समय से लेकर अभी तक अंतिम वक्ता तक सभी विद्यार्थी मुझसे यह पूछ रहे थे कि इस गोष्ठी के सारे विषय ऐसे कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह गोष्ठी एक तरह से मुक्तक गोष्ठी भी है और प्रबंधक गोष्ठी भी है। मुक्तक इस अपेक्षा से कि इसके एक एक विषय पर आप अपनी स्वयं की विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर निबंध, कविता या उस पर अपना जो भी व्याख्यान है वह स्वयं बना के लिख सकते हैं। और प्रबंधक इस अपेक्षा से कि इस गोष्ठी के सारे विषय आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला विषय था पीयूष का रत्न करंडक आसन से कर्मनाश, तो रत्नकरण शावकाचार्य के आधार से विद्यार्थियों ने यहां पर आचरण से कर्मनाश की सिद्धि की है। इसी प्रकार जितने भी यहां पर विषय थे ये सारे विषय गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड, सर्वार्थ सिद्धि, नए चक्र और अंत में समयसार, इस प्रकार से सारे विषय कहीं ना कहीं आपके ही पाठ्यक्रम से संबंधित थे। इस प्रकार हमने यह बहुत ही सुंदर गोष्ठी सुनी।
इस गोष्ठी में हमें तीन तात्कालिक वक्ताओं को सुनने का मौका मिला। उनके लिए भी जोरदार ताली कि उन्होंने इतने कम समय एक दिन के काल में ही इस विषय पर अपना बहुत ही अच्छा सुंदर विस्तृत विवेचन दिया। अब मैं इस गोष्ठी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय कमलचंद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आकर हमें यह गोष्ठी कैसी लगी, इस गोष्ठी के बारे में अपने सुझाव, और यह हमारे सत्र की अंतिम गोष्ठी है तो उसके रूप भी कुछ मंगल आशीर्वाद रूप शब्द बताए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। आज की गोष्ठी में मुझे आते ही आपने विशेष स्थिति बना दिया तो मैं तो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या विषय है क्या नहीं है क्या है। पर जब गोष्ठी में बैठा और वक्ताओं को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि बनारस के सारे शास्त्री यहीं महाविद्यालय में आके इकट्ठे हो गए क्या। बनारस में जब गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने शास्त्री महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और वहाँ के जो बड़े बड़े शास्त्री निकलते थे और उनके बोसों के मैं संपर्क में भी आया हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के नाम से आपके बंशीधर जी शास्त्री आदि बहुत से ऐसे विद्वान थे जिनके संपर्क में मैं रहा तो वे लोग भी ऐसे शास्त्रों की अनेक प्रकार की गाथाएं कारिकाएं निकाल निकाल करके आपस में चर्चा करते थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये विद्यार्थी वहीं से तो पास करके नहीं आ रहे लेकिन ये तो सब इस यहाँ महाविद्यालय का ही प्रोडक्शन है। इसकी मुझे एक बहुत बड़ी अपरंपार खुशी है, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ महाविद्यालय में देकर के आप अभी शास्त्र में कोई प्रथम वर्ष में कोई द्वितीय वर्ष में तृतीय वर्ष की तो बात नहीं करता यदि भी तृतीय वर्ष वालों ने भी बहुत अच्छा से अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि आपकी विषय की प्रस्तुतिकरण का क्रम ढंग बहुत ही बढ़िया है। ये तो आपकी मजबूरी थी कि आपको विषय अलग अलग प्रकार के दिए गए और उसमें आपने उसका चयन किया बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न तो किया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि शास्त्री वालों से जो कि आप स्नातक का पद स्नातक की डिग्री लेने जा रहे हैं स्नातक बनने जा रहे हैं तो वहाँ तक तो शास्त्री वालों को अपने आत्मा और अपने आत्मज्ञान और अपने आत्म स्वभाव और उसके आशय से कर्मों की निर्जरा ये इस विषय को ज़्यादा आपको हाईलाइट करना था क्या। ये मैं थोड़ी अपेक्षा रखता था वो आप लोगों ने ग्रंथों के आधार पर रत्नगर सावकाचार्य के आधार पर कार्तिकेय रंगनाथ साहब समयसार के आधार पर बहुत अच्छा मतलब जो है संकलन भी किया प्रस्तुतिकरण भी किया आत्मविश्वास भी बहुत बढ़िया रहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी सी बात ये है कि विषय आपको अलग अलग दिए गए ये तो आपके आयोजकों की संचालकों की कोई बात थी कि आपके अंतिम गोष्ठी है फिर आप परीक्षा में जुट जाओगे इसलिए सारे विषय उन्होंने आपको सारे एक साथ दे दिए परंतु इतने विषयों को इतने ढंग से प्रस्तुत करना आत्मविश्वास के साथ भाषा शैली के साथ ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है और बहुत शुभ है। तो दो तीन बातें मुझे और भी जो मैंने नोट भी की उसमें एक तो आपको ये लिखना था उस कौन ने जिस वो तो चला गया पर्चा उसमें किसने बोला था उस समय वो कर्म के नाश की बात थी तो उसमें उसको एक बात कही थी कि जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर काँपते हैं भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं कि कर्म को भगाना नहीं पड़ता कर्म को मारना नहीं पड़ता कर्म का नाश नहीं करना पड़ता लेकिन आत्मा का ज्ञान आत्मा का स्वभाव उसका सिद्धांत और उसका अनुभव वो होता है तो कर्मों का नाश स्वतः
हो जाता है, ये बात भी आपके इसमें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए थी। वैसे और भी बातें तो थी जो मैंने बहुत सी नोट भी किए, दो तीन बातें और भी है जो फिर आपको अभी आपके प्राचार्य महोदय भी बताएंगे क्या। और दूसरी हाँ एक बात, ये दो तीन बातें दो विषय ऐसे आए थे, एक तो रंगमंच का अंतिम दृश्य और क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए था, किसका था ये हाँ समर्थ जैन का, इसने भी कोशिश तो पूरी की लेकिन इनको थोड़ा चाहिए था कि रंगमंच का अंतिम, तो अब रंगमंच का अंतिम नाटक क्या होना चाहिए, तो वो तो रंगमंच का अंतिम नाटक तो संलेखना होना चाहिए क्या। अब संलेखना का मतलब जीवन जीने की कला, उसको थोड़ा स्पष्ट रूप से सहजता से अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से उसके ज्ञान से उसके सिद्धांत से ये सारी सहजता आती है और सारा अपने रंगमंच का अंत बड़ा आनंद पूर्वक होता है, जैसा कि आपके संचालक ने बोला था ना क्या, अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अरे भोगोगे काल अनंत, तो वो ऐसा रंगमंच का अंत वो उसमें आना चाहिए था। ऐसी थोड़ी बातें ऐसी है जो अपने अध्यात्म के पुट के साथ प्रस्तुत होए तो उसमें और सोने में सुहागा है। ऐसे आपकी गोष्ठी बहुत बढ़िया रही, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला, सबका आत्मविश्वास बढ़िया था, सबकी भाषा शैली बढ़िया थी, सबका विषय का प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा। मुझे तो बड़ा अपने आप में गौरव अनुभव होता है जब मैं आप लोगों के बीच में होता हूँ। आप लोगों के लिए भविष्य की मतलब जो है उज्जवल कामना करके अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को। अब मैं आदरणीय निर्णायक महोदय से निवेदन करता हूँ, कृपया वो भी अपने भाव व्यक्त करें और हमसे हुई इन गोष्ठी में जो भी त्रुटियां हुई हों उनसे हमें अवगत कराएं। आदरणीय निर्णायक महोदय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच, प्रिय विद्यार्थियों, मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट होता है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही बताई जाती हैं और हम दोनों ही उसे समझने का प्रयास करते हैं। आपकी गोष्ठी नो डाउट बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी और हमारे बोलना, हमारा आत्मविश्वास एज कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा होता है, चाहे बोलने की शैली हो चाहे प्रस्तुतिकरण हो। एक सच्ची बात बताऊं तो आज मैं ही पूरी गोष्ठी में, जब गोष्ठी के सामने एक शास्त्रीय तृतीय वर्ष के एक विद्यार्थी मेरे सामने वो पर्चा लेकर आए थे गोष्ठी होने से पहले, तब मैंने विषय देखे थे, तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि विषय है क्या। फिर मैंने वो जो समझा, उन्होंने जो मुझे बताया, उसके बाद मैंने भाई साहब से पुनः समझने का प्रयास किया कि इसमें था क्या। एक्चुअल में मुझे आपका आत्मविश्वास सभी का बहुत सुंदर लगा, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, हाव भाव भी बहुत अच्छे थे, सब बहुत ब्रिलियंट था, बट मुझे आज जो थोड़ी बहुत कमी जो लगी वो विषय के संदर्भ में लगी। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ थे और हम उन्हें कह नहीं सकते थे, उनके बारे में बताया नहीं जा सकता था। 5 मिनट कहना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए या 5 मिनट बोलना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बोलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मुझे कमी लगी वो मैं बताता हूँ, और अगर मैं करेक्ट हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट भी कर सकते हैं। मैं पूरी गोष्ठी में ये एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि हमारी गोष्ठी का जो मूल विषय है वो क्या है, जीव जीता और कर्म हारा। जैसे आपकी बाकियों की गोष्ठी होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नए चक्र की गोष्ठी हुई और उसके विषय हैं, तो इसका मतलब उसके जो अंदर में आने वाले विषय हैं वो मूल विषय से कनेक्टेड होने चाहिए, राइट। इसका मतलब आज के जितने भी विषय थे, बोलने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए था कि उसका निष्कर्ष और सेंट्रल आइडिया, प्रतिपाद्य जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो होना चाहिए जीव जीता और कर्म हारा से। जो मुझे दो मैंने बहुत सारे वक्ताओं में ऐसा लगा कि वो चीज़ कमी थी, मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया। मुझे उन्होंने ग्रंथ का समरी बहुत अच्छे से बता दी, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय बता दिया, सर्वार्थ सिद्धि में क्या है, मोक्षमा प्रकाशक में क्या है, नए चक्र में क्या है, गुणस्थान में क्या है, ये सब तो बताया, परंतु जो मूल विषय है उससे लिंक मैं थोड़ा जरूरी समझता था, क्योंकि वो हमारा मूल विषय है इसलिए। और अगर
हमें सिर्फ विषयों के ही बारे में बताना था जो आपको दिए गए थे, तो फिर आपको जो मैं संचालकों की गलती समझता हूँ, तो फिर मूल विषय ये नहीं देना चाहिए था जीव जाता और कर्म हारा, तो फिर आपको कुछ और टॉपिक देना चाहिए था कि संपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्याय, तो फिर आप एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत बोल सकते थे। तो ये मैंने इसके संदर्भ में थोड़ा कंफ्यूज रहा, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उससे लिंक करें कि जीव जाता और कर्म हारा। एक एक देखिए, वास्तव में तो बहुत सुंदर बोला है, ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपको समझाना चाहता था। दूसरी बात, मैं एक एक वक्ताओं के संदर्भ में तो नहीं कहूँगा, वो तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ही कहेंगे, बट एक विषय के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारा मूल विषय था जीव जीता और कर्म हारा, ये बात सही है क्या, ये ठीक है क्या? देखो आप लोग सब समझते हो, अगर हम प्रमाण से पूरी वस्तु को जान लेते हैं, उसके बाद अगर नयों के द्वारा कथन करते हैं ना, तो वो करेक्ट है। और अगर आप प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तु को नहीं जानते या उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर आप कुछ भी फिर एकार्थ या एकांश कथन करते हो, तो फिर वो एकांत मिथ्यात्व माने एकांत आता है और वह जैन धर्म को स्वीकार नहीं है। एक्चुअलिटी ये है, ना कोई जीव जीतता है ना कोई कर्म हारता है, ये वस्तु स्वरूप है। हम लोग बहुत एक्शन प्रिय हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, हमें लड़ाई मार काट बहुत पसंद है, हमें जीतना हारना बहुत पसंद है, हम हर खेल, अब तो आपको शुरू होने वाला है, हमें जीतना है हमें हारना है, ऐसे हमने कर्मों और जीवों को भी लड़ा दिया, जबकि दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैटल ग्राउंड नहीं है, ना ऐसा कोई बैटल ग्राउंड है जहां जीव वर्सेस कर्म बैटल फाइट हो रही हो, दोनों में से टक टक करके कोई हमें एक जिताना हो, क्योंकि ना जीव बलवान है ना कर्म बलवान है, और ना जीव कमजोर है ना कर्म कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है कोई बलवान नहीं है। आप वस्तु स्वरूप तो समझो, छह द्रव्यों, मैं आपसे एक बात, इसे इस टॉपिक को साइड में रखे, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं छह द्रव्यों में से कौन बलवान है और कौन कमजोर है, बताइए आप क्या आंसर देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि जीव कम बलवान है? तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आधार है आपके पास जीव को बलवान कहने का? सभी में ही अनंत गुण है, सभी में ही अनंत शक्तियां हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सामान्य अस्तित्व, विशेष अस्तित्व, ये सब सामान्य सत्ता विशेष सत्ता, हमारा जिनागम बड़ा पड़ा है वस्तु स्वरूप से ये बताते हुए कि छह द्रव्य समान है। सिंपल सी बात इतनी सी है, जब छह द्रव्य समान है तो फिर कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा या कोई एक विशेष ताकत और विशेष पावर नहीं हो सकती किसी भी एक द्रव्य में। जीव में कोई विशेष पावर नहीं है, ना कर्म में कोई विशेष पावर है, यह है वस्तु स्वरूप। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझ कर भी हुआ क्या, दोनों इक्वल, जैसे अब बैटल लड़ा भी दो, जीव वर्सेस कर्म की लड़ाई हो भी रही है ना, दोनों इक्वल पावर वाले हैं, लेकिन एक जो हमारा जो पार्टिसिपेट करने वाला जीव है ना, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है, बस उसे उसकी ताकत बताने के लिए, उसकी पावर बताने के लिए वो अपने आप को जो कमजोर समझ रहा है एज कंपैरिजन टू कर्म, बस उसे बताने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं तुम भी बलवान हो, कर्म कुछ नहीं कर सकते, कर्म तो ऐसे हैं, कर्म तो बकवास हैं, कुछ नहीं करते, जड़ हैं, पुद्गल हैं, पृथ्वी के डेले हैं, ये सिर्फ प्रयोजन के वशेष माने प्रयोजन के उद्देश्य से कहे गए कथन है और ये सब नए हैं। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि शास्त्रों में कर्मों को क्यों बलवान कहा? अब आप देखना, वस्तु स्वरूप यह है कि ना जीव बलवान है ना कर्म बलवान है, ये वस्तु स्वरूप है। अब आप जिनवाणी पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको जीव बलवान बताया जाएगा और कहीं कहीं आपको कर्म बलवान बताए जाएंगे। और लोग, आप देखो हमारी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कर्म ने हमें यहाँ पटका, यहाँ डाला, ऐसा किया, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, और अपने शास्त्रों में लिखे हैं, हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, वो सांख्य मतावलंबी आदि तो मानते हैं तो ठीक है, लेकिन जीव कर्म के कारण इन इन संसार में जा रहा है और ऐसा ऐसा दुखी है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम क्या करें? जगत में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो लोग कहते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होता है आईएएस का एग्जाम, ये किस लिए कहा जाता है कि बहुत कठिन होता है, किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, इसलिए नहीं कहा जाता ताकि आप हताश होकर ये बैठ जाओ कि मैं तो कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी करेंगे ना, तो जैसे कोई मान लो एक स्ट्रांग व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो लोग आसपास के व्यक्ति, अरे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी पावर जो है, हमें अपनी जो सामर्थ्य जो है, स्किल जो है, पुरुषार्थ जो है, वो बढ़ाना है। बात इतनी सी है, शास्त्रों में अगर कर्म को भी बलवान बताया गया है तो उसके पीछे आचार्यों का बस इतना सा उद्देश्य है कि हे जीव, कर्म इतना पावरफुल है, उसे हल्के में मत लेना।
तुम ऐसे मत समझना कि तुम इसे अवॉइड कर दोगे, जड़ है वो क्या कर लेगा मेरा। तो उसकी पावर भी सिर्फ इसलिए बताई गई है ताकि हम स्ट्रांग हो सकें। बाकी वस्तु तो कहीं कहीं जीव को बलवान बताया जाता है, कहीं कहीं कर्म को बलवान बताया जाता है। उसका प्रयोजन मात्र इतना ही है ताकि जीव संसार चक्र का अभाव करे और मुक्ति की प्राप्ति करे। इस टॉपिक के संदर्भ में मुझे बात इतनी सी ही कहनी थी, बस इतना ही है। न जीव जीतता है, न कर्म हारता है, कोई ऐसा नहीं होता। ये सब प्रयोजन के विशेष कहे गए कथन हैं। बाकी वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो छहों द्रव्य बराबर हैं। वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला, बोलने में कोई कमी नहीं थी, आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी, आपके हाव भाव में कोई कमी नहीं थी, आपकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं थी। आप सभी वक्ता जो हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही अल्प समय में संपूर्ण ग्रंथों का एक तरीके से स्वाध्याय कराया। आप लोग इसी तरीके से और गोष्ठियाँ करते रहें, आपकी वक्तृत्व शैली निकले, और शैली तो अपने आप निखरेगी क्योंकि वो प्रैक्टिस से होता है, बट आप विषय आपका निखरे, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्णायक महोदय को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देकर कृतार्थ किया। अब हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय शांति जी भाई साहब जो अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया वो दो शब्द कहें और इसमें हुई त्रुटियों को और हमें मंगल आशीर्वाद दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी वक्ताओं के वक्तव्य के बाद आयोजक संयोजक विनय कुमार जी ने आकर के कहा कि अंत तक सभी पूछते रहे कि ये क्या विषय हैं। यदि वक्ताओं को भी इन्होंने विषय स्पष्ट नहीं किया हो तो फिर ये हमारा अपराध है, और वक्ताओं को स्पष्ट कर दिया था फिर वह उसके साथ न्याय नहीं कर पाए तो फिर ये उनकी कमजोरी है। अब क्या हुआ, वक्ताओं को तो स्पष्ट कर दिया था, जैसा कि अच्युत कांत ने भी स्पष्ट किया, ग्रंथ आधारित विषय रखे थे और पूरी गोष्ठी का एक विषय दिया हुआ था, तो प्रत्येक वक्ता को चाहिए था कि भले ही विषय को शीर्षक हेडिंग कुछ भी दिया हो लेकिन जिस ग्रंथ का उल्लेख करना चाहते हैं, जो वहाँ पर साइलेंट हैं, उसका सबसे पहले किसी न किसी रूप में उल्लेख करते हुए फिर अपने विषय की प्रस्तुति करके और फिर मूल गोष्ठी के विषय तक उसे पहुँचाना चाहिए था। किसी किसी में तो स्पष्ट आया ख्याल में, किसी किसी में नहीं आया, उनको भी इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए था। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना किन्ने की? मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना किन्ने की? किन्ने की? हाजी हाजी, मालूम नहीं मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना किन्ने की? हाजी टोडरमल जी ने, इधर से आवाज आ रही थी सबने की, तब आप लोग सही हो कि ये सही हैं है? मैंने प्रश्न ये पूछा, मोक्षवार प्रकाशक की ग्रंथ की रचना किसने की नहीं किनने की? किसने की होता तो एक की बात आती है, किनने की है? इसलिए इनका उत्तर सही है कि सभी ने की, क्योंकि सभी ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक होते हैं। भाव की अपेक्षा उनका जो विषय होता है वह विषय मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना ही होता है। अकेले नाम अलग अलग होने पर भी आप यदि सारे ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो सभी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी न किसी रूप में वर्णित होंगे, मोक्ष मार्ग का वर्णन होगा, मोक्ष का वर्णन होगा, इसलिए सभी ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक हैं। इसीलिए सब में जो मुख्य विषय दिया आपको, जीव जीता और कर्म हारा, वो अपने आप ही उसमें से बात निकलती हैं।
दो बातें, जीव की जीत और कर्म की हार आगम की दृष्टि से क्या और अध्यात्म की दृष्टि से क्या है, आगम की दृष्टि से क्या है और अध्यात्म की दृष्टि से क्या है। कर्मों का संवर होते हुए, कर्मों का संवर हुआ, कर्मों की निर्जरा हुई और कर्मों का अभाव हुआ, शुद्धता की उत्पत्ति हुई, शुद्धता की वृद्धि हुई और शुद्धता की पूर्णता हुई, आनंद की उत्पत्ति हुई, आनंद की वृद्धि हुई और आनंद की पूर्णता हुई। कौन सा कथन आगम का है और कौन सा कथन अध्यात्म का है, कौन सा कथन आगम का है और कौन सा कथन अध्यात्म का है। पहले मैं दो ही बोलने वाला था लेकिन आगम सीधा ख्याल में नहीं आएगा इसलिए कर्म से प्रारंभ किया। तो कौन सा कथन आगम का है, कौन सा अध्यात्म का है। कर्म का संवर, कर्म की निर्जरा और कर्म का पूरा अभाव, ये किसका कथन है, आगम का। और शुद्धता की उत्पत्ति, शुद्धता की वृद्धि और शुद्धता की पूर्णता, ये किसका कथन है, अध्यात्म का। और आनंद की उत्पत्ति, आनंद की वृद्धि और आनंद की पूर्णता, ये किसका कथन है, ये अध्यात्म का। अब वो शुद्धता की वृद्धि ये दोनों तरफ जाएगा, जब आनंद को हम अध्यात्म में लेंगे तो शुद्धता भी आगम में जाएगी, क्योंकि जो कुछ जीव में हुआ और कर्म का अभाव हुआ ये सारा वर्णन आगम में मिलेगा। लेकिन अध्यात्म सिर्फ आत्मा के आनंद की बात करेगा, आनंद के प्रयोजन की मुख्यता से बात करेगा। पंडित जी ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा, मुझे पढ़ाया आपने, जीव जीता माने क्या और कर्म हारा माने क्या। जीव की जीत किस बात में और कर्म हारा हम कह रहे हैं, वो अच्युतकांत जी ने कही वस्तु स्वरूप की दृष्टि से सब द्रव्य समान है, सबकी सामर्थ्य एक सी है, ये सब बराबर हैं, ये मूल वस्तु स्वरूप हैं। लेकिन हम अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रयोजन की अपेक्षा जो कथन करते हैं उसी विवक्षा से, और उसी प्रयोजन में हम ये भी कहते हैं कि नान सहावादियम मुणदि आदम, आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं, माने आत्मा में सब द्रव्यों से एक ज्ञान नाम का गुण अधिक है। तो सभी द्रव्यों में कितने गुण होते हैं, अनंत, और आत्मा में कितने होते हैं, अनंत प्लस एक, माने एक बढ़ गया ना, अधिक हो गया ना, बिल्कुल नहीं, सब द्रव्यों में समानता है। अब हमारा जो प्रयोजन है, प्रत्येक जीव जो सुख और आनंद चाहता है उसकी प्राप्ति हुई तो जीता, और यदि उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो हार गया। इसलिए बहुत अच्छे वाक्य लिखे, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति, यदि अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति जीव कर रहा है तो जीव जीता, और कर्म हारा मतलब क्या, जो अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति करने वालों के पास कर्म आते ही नहीं हैं, आ ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कर्म हार गए हैं। इस दृष्टि से सभी को विषय को जोड़ना चाहिए था, इसमें थोड़ी सी कमी दिखी। मैं एक एक पर नहीं जाऊंगा, संक्षेप रूप में सभी की बात कहूंगा। हम ये अच्युतकांत ने भी कहा कि समय सीमा में अपने विषय को प्रस्तुत करना ये बहुत सीखने की आवश्यकता है हमें, और आपको पूर्व से विषय दिया है, आपसे विषय लिखित करके मांगते हैं, तो इस बहाने से आप लिखें, तैयार करें, उसे पढ़े, उसे बोले, कितने समय में हो रहा है इसे देखें। यदि समय से अधिक हो रहा है तो जो विषय आपको कम महत्वपूर्ण लगते हैं उनको गौण करें, कुछ विषयों का सिर्फ संकेत करके मार्ग ये करते हुए उन विषयों को छोड़ दें। ये करते हुए समय सीमा में समेटने का प्रयास हमको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। ये करें तो हम गोष्ठी में बोल रहे हैं, गोष्ठी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी सार्थकता है, आपकी सफलता है, और हमारा जो उद्देश्य है साप्ताहिक गोष्ठियों का
उसकी सफलता है। इसमें बहुत गंभीरता से हमको जरूर इस बात को लेना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी इसमें इस दृष्टि से बिखर गए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने प्रारंभ का विषय इतना विस्तृत लिया, जैसे आशुतोष ने लिया, और दो अध्यायों में इतने विस्तार में चले गए। अब इतने विस्तार में चले गए तो बाकी अध्यायों के विषयों के लिए समय मिलेगा कैसे? तो ये प्रारंभिक विषय आ जाता है और बाकी विषय फिर छूट जाता है। बहुत से वक्ताओं ने पूरी पूरी गाथा, पूरे पूरे श्लोक बोलने का प्रयास किया, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। तो इनको भी आप संक्षेप में करते हुए जोड़ने का, कम से कम समय में पूरे विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते थे। इसमें थोड़ी कमी दिखाई दी है। आजकल डिजिटल का ज़माना है और आधुनिक साधनों का प्रयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। ये PPT का प्रयोग करना प्रारंभ तो किया है, लेकिन अभी उतनी पूर्णता, उतनी सफलता अभी नहीं आ रही है। हर एक को अपना विषय पूरा व्यवस्थित, थोड़ा सा गायक का था, गायक ने कुछ विषय दिए हुए थे और वह आए भी, तो आप स्वयं इसे तैयार करें। आपको सहयोग करने के लिए सभी तैयार हैं, तो अपने विषय को व्यवस्थित करके दें, उसके पॉइंट्स बनाएं। और आपको ख्याल में होना चाहिए कौन से पॉइंट्स हैं, आप कौन से पॉइंट्स पर बोल रहे हैं, और जो वहाँ पर संचालित करने वाले हैं उनके निर्देश होवे कि जब मैं अगला पॉइंट बोलूँगा तब वो विषय सामने आना चाहिए। और आप सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कि अब आप इस पे देख सकते हैं, ये श्रव्य दृश्य साधन, इन दोनों का उपयोग करते हैं तो विषय और अच्छी तरह से जल्दी समझ में आता है। सुन रहे हैं और उस विषय को बराबर देख भी रहे हैं, इसलिए इसका उपयोग अधिकतम करें। अपने विषय को वैसा तैयार करें और स्वयं यदि इसमें और ट्रेंड हो जाए तो और बहुत बढ़िया बात है। जो भी वो PPT का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो जो प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं ना, वे स्वयं ही संचालन करते हैं, तो उन्हें मालूम है किस समय कौन सा पॉइंट लेना है। यदि आप स्वयं वो करें और बढ़िया है, आप करते हुए बराबर पूरे विषय को प्रस्तुत करेंगे तो और अधिक आपको उसमें सफलता मिल सकेगी। विषय के लिए तीन मानक हैं, तीन पॉइंट्स। सबसे पहले विषय में स्वयं उतर जाना, और दूसरा विषय को अपने में उतारना, और फिर तीसरा भी विषय को श्रोताओं में उतारना। तो सबसे दो पॉइंट ज़्यादा जरूरी हैं। दो पॉइंट अच्छे से हुए तो तीसरा तो सहज है। जैसे आपको विषय मिला, अब आप विषय में उतर जाओ, पूरे विषय को पहले पढ़ो, उसमें से पॉइंट्स निकालो, व्यवस्थित करो और पूरे विषय में अच्छी तरह से उतर जाओ, और फिर उस विषय का भाव भाषण करते हुए अच्छी तरह से स्वयं समझते हुए स्वयं में उतारो। स्वयं में उतारने के दो अर्थ हैं। एक स्वयं में उतारने का अर्थ है कि बहुत अच्छी तरह से स्वयं समझे और उसी अनुसार अपने स्वयं के भाव बनावे। यदि उस बात से हम अच्छी तरह से सहमत हैं, सचमुच हम उस बात को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हम उस बात को दूसरों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। और यदि वो बात हमारे अंदर ही नहीं उतरी, हमें ही स्वीकृत नहीं है, हमें तो सुनाना है दूसरों को, तो याद तो कर लेंगे, रट लेंगे और उसे निकाल भी देंगे, बता भी देंगे, लेकिन वो बात उतनी गहराई से उतर नहीं पाएगी। इसलिए अपने में उतारे, विषय में भी डूबे, विषय को उतारे। और टोडरमल जी का जो प्रसिद्ध वाक्य है, इसमें मेरा हित भाषित तो होता है, ऐसा महसूस करते हुए यदि हम उसे समझते हैं और फिर इस बात से दूसरों का भी हित होवे, ऐसा समझकर दूसरों को समझावे, तो बहुत अच्छी तरह से हम उस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं और स्वपर कल्याण में निमित्त बन सकते हैं।
ये गोष्ठियाँ अंतिम गोष्ठी में आते आते भी जैसा कि उल्लेख किया कि तात्कालिक वक्ता, इसका मतलब कुछ परिवर्तन किए, तो इसमें तो नाम वही के वही लिखे, तो परिवर्तन करके लिखे, क्योंकि पहले तो जिनके नाम होते थे वही लिखे जाते थे और फिर जो परिवर्तन होता था उसका नाम फिर अलग लिखते थे, अभी भी परिवर्तन करना पड़ा। तो जो परिवर्तन करके तत्काल आए, फिर जो तीन रह गए रह गए क्या, फिर कहाँ अगले साल आएगा, कि ऐसे भी थे जो अगले साल भी नहीं आने वाले हैं। छूटना नहीं चाहिए था, उनको भी गंभीरता से लेना चाहिए था। इससे आप सभी भी बराबर समझते हैं, स्वयं को सीखने मिलता है। मैं तो श्रोताओं के लिए भी कहता हूँ, श्रोताओं का बहुत लाभ है, इतने सारा विषय कम समय में हम तैयार नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके माध्यम से हमारे सुनने और समझने में आता है। और जिस विषय की रुचि हमें हो समझने की, हम नोट कर सकते हैं कि कहाँ से विषय लिया है, हम वहाँ से देख करके फिर उसके विस्तार में जा सकते हैं, या अभी हमारी डायरी में इतना ही नोट करके रखें, जब पुनः उस विषय के संबंध में हमें विशेष जानने की जिज्ञासा होवे तब हम उसे विस्तार से वहाँ से देख सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स अभी हमारे सामने व्यवस्थित आ जाते हैं, और जो तैयारी करते हैं उन्हें तो विशेष लाभ होता ही है, तो दोनों इसका अधिकतम लाभ उठावे, स्वपर कल्याण में हम निमित्त बने, इसी मंगल भावना के साथ। जीव जीता कर्म हारा, कोई जीतता नहीं है कोई हारता नहीं है, परंतु जिसके सामर्थ्य बढ़ती है वो जीतता है, जिसके सामर्थ्य कमज़ोर हो जाती है वो हारता है। हम अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ावे, पंडित जी ने लिखा ना, फिर कर्म पास आवे ही नहीं, कर्म आपकी ओर देखे ही नहीं। तो हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ावे, हमारा जो प्रयोजन अतींद्रिय आनंद का है उसकी उत्पत्ति उसकी वृद्धि करे, तो सचमुच हमारी जीत ही जीत है, और हम सब इस क्षेत्र में इस प्रयोजन में जीत को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय को। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, कृपया दो श्रेष्ठ वक्ताओं का नाम बता देवे। मैं अंक देने के भार सहित सुनने के, मैंने सुनने के लिए निर्भर रहना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि भैया निर्णय के लिए आप दूसरों को जिम्मेदारी दे दो, तो निर्णायक छे ही और एक और निर्णायक मिले तो मैं निश्चिंत होकर के सुन सका, तो इसलिए मैं जो निर्णय दे रहा हूँ मेरा नहीं है। यदि को किसी को कुछ लगे तो आप इनके पास में जाना, भले ही मैं बीच में बैठा हूँ, और बीच में बैठा हूँ इसलिए सुरक्षित हूँ, आप दोनों के निर्णय के अनुसार। द्वितीय स्थान पर रहे हैं गायक जैन, दोनों के गायक जैन अपने स्थान पर खड़े हुए हैं, 50-50 100 अंकों के अनुसार 79। अंक लेकर के गायक जैन प्रथम स्थान पर रहे हैं, द्वितीय स्थान पर रहे हैं, और 83 83 अंक लेकर के अंकित जैन, जोरदार तालियां बजा दी दोनों वक्ताओं के लिए। प्रथम स्थान दोनों वक्ताओं से निवेदन है, कृपया मंचासीन अतिथियों से अपना पुरस्कार प्राप्त करें, गायक जैन और अंकित जैन। अब आदरणीय मंचासीन अतिथियों का आभार एवं ग्रंथ भेंट कर उनका स्वागत करने के लिए हमारे अधीक्षक महोदय आदरणीय जिनेंद्र जी भाई सबसे निवेदन करते हूँ। हाँ, मुख्य बिंदु का पुरस्कार शिवराज स्वामी, वो भी आए अपना पुरस्कार प्राप्त करें। गायक जैन किसी कारणवश अभी नहीं है यहाँ पे,
कोई और उनकी क्लास वाला और उनका रूम पार्टनर जो भी हो वो उनका पुरस्कार प्राप्त कर ले। आ जाओ संयम। हाँ संयम पुजारी, आप गायक जन का पुरस्कार ले लें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय मंचासीन अतिथियों का। आभार के लिए आदरणीय भाई साहब। सारे अतिथि अपने घर के ही हैं, फिर भी मैं एक दो बातें विशेष आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय शांति जी भाई साहब, जिनसे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, जिनका पूरा जीवन ये तत्वज्ञान के लिए समर्पित है, और सिर्फ समर्पित ही नहीं है, पूरा जो सबसे बड़ी विशेषता है वो स्वांताय सुखाय। टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में बहुत अच्छी बात लिखी है कि वक्ता को आशावान नहीं होना चाहिए और लोभी नहीं होना चाहिए। तो उन दोनों ही चीज़ों से रहित, किसी तरह की कोई आशा नहीं, सर्व तरह की आशाओं से रहित, वो एक निस्वार्थ भाव से और स्वांताय सुख के लिए पूरा जीवन तत्वज्ञान के लिए समर्पित किया। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, आप बाहर की कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक देखते हैं, अच्छे से अच्छे प्रकाशक की और अच्छे से अच्छे लेखक की, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉमा फुल स्टॉप की या कहीं शब्द की या कहीं मीनिंग की कोई ना कोई गलती देखने मिल जाती है। पर आप स्मारक से जो भी पुस्तक छपती है आदरणीय दादा की या अन्य भी किसी लेखक की, उसमें एक सिंगल कहीं भी कोई गलती, कहीं ना कोई कमी नज़र नहीं आती है। अगर उसके पीछे दादा की एक एक कृति के पीछे अगर किसी का कोई हाथ रहता है, कोई संबल रहता है, कोई प्रूफ रीडिंग देखता है, उनको इतना अच्छा संभालता है, तो आदरणीय शांति जी भाई साहब की इतनी सारी कृतियां जो आज तक स्मारक छप रही हैं, उन सबका सफल और उनको जो फाइनल प्रूफ करते हैं, फाइनल सक्सेस करते हैं, वो आदरणीय भाई साहब करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो शायद आप नहीं जानते हैं, और अब बहुत अच्छे से आप आदरणीय भाई साहब को जानते हैं। आदरणीय भाई साहब अपने ही विद्यालय के अपनी इस अंतिम गोष्ठी में पधारे और उन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, इसलिए उनके ही महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री कमलचंद जी पड़ावा हम सबके बीच पधारे। हमारे जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं उसमें वो मुख्य भूमिका अदा करते हैं। आप देखते हैं समय समय पर स्मारक में भी या बाहर जो भी गतिविधियां स्मारक से संबंधित होती हैं, सभी में अपना बहुत बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और स्मारक के लिए तो वो पूरे समर्पित हैं ही, और उस वितरण विज्ञान के लिए भी, इसके प्रचार प्रसार के लिए भी समर्पित हैं। ऐसे आदरणीय कमलचंद जी पड़ावा साहब का भी हम इस विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे आज की गोष्ठी के निर्णायक महोदय आदरणीय चुतकान जी भाई साहब, जिनसे आप बहुत भली भांति परिचित हैं, आप सब उनसे पढ़ते हैं, उनसे लिखते हैं, वो अपने समय से ही बहुत होनहार विद्यार्थी रहे हैं। सचमुच जैसे पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं, जब वो यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में ही पढ़ते थे, उसी समय सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना, और सिर्फ भाग ही नहीं लेना, हर दूसरी प्रतियोगिता में भाई साहब का नंबर लगता था, प्रथम या द्वितीय स्थान तो उनका निश्चित था कि भाई साहब का नंबर लगना है, और ये नंबर इसलिए कितनी अच्छी तैयारी होती थी। और अभी वो स्मारक में दादा के निजी सहायक के रूप में कार्यरत हैं, और साथ ही साथ जो उनका बहुत अपूर्व काम जो कर रहे हैं, कहानियों के माध्यम से जैन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, यह आप विधिवत तरीके से निरंतर कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें, आप भी हमारी गोष्ठी में पधारे, आपका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि यह इस सत्र की अंतिम और 20वीं गोष्ठी थी, तो इस सभी गोष्ठियों के संयोजक संचालक तो फाइनल वाले ही थे, उन्होंने समय समय पर अलग अलग गोष्ठी के अलग अलग संचालक थे, पर इस गोष्ठी के जो संयोजक थे, मैं एक बार उनके यहाँ से नाम बोलता हूँ, अगर वो हों तो यहाँ पर मंच पर आ जाएं। भाई समर्थ जैन, भाई दुर्लभ जैन, भाई विनय जैन और भाई अंकित जैन, इन चारों संयोजकों ने मिल के इस सत्र की संपूर्ण गोष्ठियों को इतना सुचारू रूप से, इतना व्यवस्थित रूप से संचालित किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इस सत्र में मैंने सारी गोष्ठियाँ देखी सुनी,
इसमें सबसे बड़ी विशेषता आज की गोष्ठी को छोड़ दें तो हमें पिछले 7 सालों की गोष्ठी भी याद है और इस सत्र की गोष्ठी भी याद है, तो शायद ही किसी गोष्ठी में हमें तात्कालिक वक्ता की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि हमारी ज़्यादातर गोष्ठी तो प्रासंगिक हुई हैं, किसी शिविर के अवसर पर किसी मंदिर में जाके, तो सारे के सारे वक्ता सभी गोष्ठियों में रहते थे। इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो इन संयोजकों का हाथ है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वक्ताओं को तैयार किया। और इसी के साथ साथ दो विधाएँ और आप देखते थे, निबंध लेखन और कविता लेखन, इसमें भाई निखिल जैन और भाई संयम साय, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला। और पुरस्कार में भी संयम जैन और नयन जैन, ये भी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और साथ ही साथ जो आप पीपीटी देखते थे, इसके लिए भाई दीपम जैन, भाई विनय जैन, आयुष जैन, आकाश जैन, जी जगदीशन इत्यादि सभी विद्यार्थियों ने समय समय पर, इनका भी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आप स्वागत करें। और जो कुछ भी निर्देश थे इस गोष्ठी में वो लोग कहने से बच गए कि हम आगामी गोष्ठियों में आपके सुझावों का ध्यान रखेंगे। अब वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अब शायद आप ऐसा बोलेंगे और बोलेंगे कि अब आपको उसको महसूस करना है, उसको संभालना है, तो आगामी जिम्मेदारी पूरी सेकेंड ईयर वाले संभालेंगे। तो अभी से उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम स्वागत करते हैं और आज की अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अभी की गोष्ठी के समापन की सूचना करते हैं। बोले महावीर, कोई सूचना है आपको, एक बार सूचना और सुन ले। संयोजकों का आभार आपको मानना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस बार संयोजकों ने जो विषय रखे हैं बहुत नयापन लाने की कोशिश की, विषयों के चयन में नयापन लाने की कोशिश की, और वो नयापन इस दृष्टि से कि आप सिर्फ वो कलेक्शन ऑफ नॉलेज नहीं, अकेला उसको इकट्ठा मत करो, उस पर कुछ अपना चिंतन भी प्रस्तुत कर सको, ऐसे विषय रखने की कोशिश की सोच सोच करके आपके लिए। और फिर आप विषय तैयार करें, कैसे तैयार करना, कहाँ से लेना, इस सब के लिए भी आपको सहयोग किया, इसके लिए एक बार और विशेष विशेष आप सभी को उनको आभार देना चाहिए। एक विशेष कार्यक्रम कौन सा प्रारंभ होने जा रहा है कल से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका विशेष कार्यक्रम होगा जो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होता है। वो शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों में अभ्यास कक्षाएं लेते हैं, जो आपको प्रशिक्षण देते हैं, उस अभ्यास कक्षाओं में या प्रशिक्षण की पद्धति में भी कुछ नयापन होना चाहिए। आजकल एजुकेशन में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, वैसे ही हमारी भी प्रशिक्षण की पद्धति में नए नए प्रयोग होने चाहिए, नए तरीके से, ताकि उसका छात्रों को अधिकतम लाभ मिल सके। इस दृष्टि से कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन, कुछ नयापन, जो नई नई पद्धतियाँ विकसित हो रही है उनका प्रयोग, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए पुनः एक बार, वैसे तो गवर्नमेंट के इसमें रिफ्रेशर कोर्स उनके बहुत चलते रहते हैं, करीब करीब हर 2-3 साल में सारे अध्यापकों को किसी न किसी कोर्स में फिर से उपस्थित होना पड़ता है। हमारे तो इतने वर्षों के बाद पहली बार प्रशिक्षण कक्षा के जितने अध्यापक हैं उनका एक नए प्रयोग की दृष्टि से 25 तारीख से यहाँ शिविर ही समझ लीजिए, 3 दिन का शिविर आयोजित होने जा रहा है। उसमें काफ़ी अध्यापक बाहर से आ रहे हैं, बहुत से यहीं जयपुर में हैं, बहुत से स्मारक में भी हैं, वे सभी उपस्थित रहेंगे। खास करके शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी जो इसमें आगे आना चाहते हैं, वे आगे आकर के प्रशिक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं अध्यापक के रूप में, वे भी उपस्थित होकर के उसमें पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष इसलिए कह रहे हैं, वहाँ तक आते आते दोनों प्रशिक्षण वे कर लेते हैं पूरे, तो जिनके दोनों प्रशिक्षण हो गए हैं और आगे अपना सहयोग देना चाहते हैं वे ज़रूर उसमें उपस्थित रहे। 25 तारीख को
सुबह के प्रवचन के बाद में उद्घाटन सत्र होगा और उस उद्घाटन सत्र के समय सभी विद्यार्थी उपस्थित रहना है। उसमें तो उपाध्याय से लेकर के शास्त्री तक सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, तो उसमें क्या नया करने जा रहे हैं ये सब आपको सुनने समझने के लिए मिलेगा और आदरणीय दादा का भी संबोधन उसमें मिलेगा हमें, तो उस समय सभी को उपस्थित रहना है। और शास्त्री सेकेंड ईयर फाइनल के इस दृष्टि से विचार करें, उस दिन सुनेंगे तब भी आपको सारी बातें ख्याल में आएगी। तो वे अब जो उपस्थित रहेंगे और आपका जो सिमिलर कार्यक्रम चलेगा उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसे अपन जो छात्र यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और उसकी वजह से उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें टाइम चेंज कर देंगे, वो टाइम चेंज करेंगे क्योंकि ये बाहर से आए हैं और तीन दिन सवा तीन दिन और 28 को सुबह एक सत्र, इस तरह से जो कार्यक्रम चलेगा वो यथावत यथा समय चलेगा, तो उधर थोड़ा सा परिवर्तन करके आप उसमें लाभ लेना चाहेंगे तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और सेकेंड ईयर फाइनल के अधिकतम विद्यार्थी उसमें लाभ लेवे ये अपेक्षा है, सहयोग देना नहीं देना वो बात के आपकी व्यस्तता, आप किस क्षेत्र में जाते हैं, आपको समय है कि नहीं, इसके ऊपर है। लेकिन आप देना चाहें और ये नई पद्धति नहीं सीखेंगे तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए सीखे जरूर, देखें और समझे जरूर इसमें, इसलिए इसमें अधिकतम जरूर उपस्थित रहें। ठीक है, आदि पुराण में एक बहुत अच्छी सूक्ति आई है, ननु चंद्र गुणानंशय भजत्युडु गण प्ययोयम, अर्थात कि चंद्रमा के कुछ गुण तारागण कुछ अंशों में धारण करते हैं, इसी प्रकार हमारे ऐसे सर्वगुण संपन्न शिक्षक रूपी चंद्रमा के कुछ शिक्षाएं हम सभी विद्यार्थी धारण करें, ऐसी मंगल भावनाएं देते हुए हमारा यह 20वां अंतिम गोष्ठी यहाँ पर सफलता से संपन्न होता है। आप इसके लिए तालियां बजा सकते हैं। अब आपकी खुशी यहाँ पर हो बहुत अच्छी हो, खुशी बढ़ गई होगी कि अब गोष्ठियाँ खत्म हो गई है तो अब साहित्यिक सप्ताह का और खेल महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। साहित्यिक सप्ताह प्रारंभ हो रहे हैं 29 तारीख से, परंतु 29 तारीख को उद्घाटन समारोह है और 30/12/2019 इस तारीख से आपके सर्वप्रथम अनिवार्य भाषण से आपकी प्रतियोगिता प्रारंभ होने वाली है। पूर्व में आपको सूचना दी थी, उसमें जो दिनांक थे और जो प्रतियोगिता थी उनमें थोड़ा सा संशोधन करके आज आपको नवीन जो प्रति है वो वहाँ आपको बोर्ड पे लगा दी जाएगी, तो आप सभी इसका नया जो संशोधित संस्करण है ये आप सभी देख लेवे। और जो पर्ची जमा करने का तारीख है वह 27 दिसंबर रखा गया है, सभी प्रतियोगिता के शुल्क मात्र 10 रुपये ही है और एक विद्यार्थी अधिकतम 6 प्रतियोगिताओं में ही भाग ले सकता है। इसमें 6 प्रतियोगिताओं में चित्रकला, निबंध, शोध पत्र, नाटक और अनिवार्य भाषण, ये 5 प्रतियोगिता इसमें गर्भित नहीं होगी। इनके अलावा जितनी भी प्रतियोगिता हैं इन सब में से आप मात्र 6 प्रतियोगिताओं में ही भाग ले सकते हैं और समस्त प्रतियोगिता प्रातः 9:15 से एवं सायंकाल 7:30 से प्रारंभ होंगी। यह इसकी नवीन सूचनाएं थी, नवीन नोट करने योग्य बातें थी, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और ये पर्ची कटना आज अभी से ही प्रारंभ होगी और 27 दिसंबर तक रहेगी। पर्ची जमा करने के शास्त्री तृतीय वर्ष में आपको पहले चेतन जैन खडेरी और द्वितीय मयंक जैन मंडा, इन दोनों विद्यार्थियों का आपको जमा करना है। एवं खेल सप्ताह के लिए, और आप सभी को पता ही है कि कल से 24/11/2019 से खेल महोत्सव का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 11:30 बजे से उसका उद्घाटन समारोह है, जिसमें आदरणीय छोटे दादा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, उप प्राचार्य महोदय आदि सभी उपस्थित रहेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी 11:30 बजे बॉलीवुड ग्राउंड में उपस्थित होकर उद्घाटन समारोह में शामिल हों, और जो बॉलीवुड टीम के कैप्टन हैं वो अभी यहाँ पर
उपस्थित रहेंगे, क्योंकि जो टीम का निर्णय होगा, जो पर्ची निकलेगी वो अभी निकलनी है यहाँ पे।